हाँ भाई जय सीएल सी, कैसे हो? संजय सर, आज 35वां डीसीएम सॉल्यूशन। बच्चों तो कल किसी बात लगती है, 6 मई को स्टार्ट हुआ बायोकेम डीटीएस, जो चला 10 जून तक। 14 जून को स्टार्ट हुआ इको फिजिक्स, जो चला 26 जून तक। 28 जून को स्टार्ट हुआ डीसीएम, डेली कम मेजर टेस्ट सीरीज, और चलते चलते 48 टेस्ट में से आज अपन 35 पूरे कर चुके हैं और 16 ऐसे मेजर होने हैं। देखो बच्चों, एक बात ध्यान सुनना, यदि आप ढंग से सीएलसी को फॉलो कर रहे हो ना, तो इतना मैटर बेटा किस संस्था के पास नहीं है। अब 6 किताबों, एक सिक्स पैक के नाम पे, 2 बायो की डीटीएस, 2 डीटीएस केमिस्ट्री की, एक प्रीवियस ईयर पेपर टॉपिक वाइज और एक फिजिक्स इको, ये 6 बुक का एक सेट है। जो 4 बुक आपको हमारी पुराने बच्चों दी हुई है, फिजिक्स इको और प्रीवियस ईयर के पेपर, आप सीएलसी आके लेके जा सकते हैं या आप बाई पोस्ट मंगा सकते हैं। यहां एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, जिस भी लड़के की सेशन 2021 में कम से कम 10,000 फीस जमा है, उसको ये किताबें सारी फ्री दी जाएंगी। और नीचे है तो भैया फिजिक्स इको और प्रीवियस ईयर तो दिए जाएंगे, जो फीस में नहीं है फिर भी बच्चों को दे देंगे। बाकी 6 सेट चाहिए तो आपको 2,000 का पेमेंट करना होगा। ये सिक्स पैक बड़ा प्यारा होगा। डियर, अच्छी तैयारी चल रही है, बिल्कुल आप कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार प्रॉब्लम हो, तो मेरा नंबर आप सब जानते हैं, 9992873888 पे आप फोन कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेपर आता है, वीडियो सॉल्यूशन आता है, सब कुछ आता है। और आपके सीएलसी ने जो काम किया ना आपके लिए, वो काबिले तारीफ है। देखो भाई, तो बढ़िया करें, रिजल्ट चाहिए, रैंक चाहिए, लगे रहो। जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी। हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। एक बार आपका फिर से अपने डीसीएम डेली कम मेजर टेस्ट सीरीज में स्वागत है बेटा, जिसका आज अपन 35th पार्ट देखना जा रहे हैं, जिसमें अपन केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, विच ग्राफ विल शो इक्विलिब्रियम कंडीशन? निम्न में से कौन सा वक्र साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है? बेटा यहाँ पे अपन साम्यावस्था इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बात करें तो अपन को गुल्डबर्ग और वागे, जिसने अपन को LMA लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था, वहां से पता है कि जब भी अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम पे क्या बोलते हैं, मतलब साम्यावस्था की स्थिति में होता क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हम बोलते हैं उस समय RF इज इक्वल टू RB होता है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कई बार हम इस कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि सर वहां पे अभिकारक और उत्पाद की मात्रा भी समान रहती है क्या, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी सेम रहती है क्या? तो बेटा उसके लिए अपन कुछ भी नहीं कह सकते। हम इक्विलिब्रियम साम्यावस्था की स्थिति को कैसे डिफाइन करते हैं, जिस समय अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर इक्वल हो, इट मींस RF इज इक्वल टू RB, देन वी कैन से दैट दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ में आ रही है बात बेटा? तो इसको अपन को यहां पे बताया गया है, इस क्वेश्चन में बात कर लें, विच ग्राफ विल शो द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो मैंने आपको बताया जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ रही है बात बेटा? तो यहां से अपन बात कर रहे हैं ग्राफ के थ्रू कि वो कंडीशन जहां पे इक्विलिब्रियम मिलेगा RF इज इक्वल टू RB होगा। तो यहां से अपन कह सकते हैं RF इज इक्वल टू RB केवल अपने पास में थर्ड ग्राफ में है। देखो यहां पे y एक्सिस पे रेट दिखा रखा है, x एक्सिस पे टाइम दिखा रखा है, तो रेट ये फॉरवर्ड रिएक्शन की कम होती जाएगी और बैकवर्ड रिएक्शन की बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी और प्रोसीड होने लगेगी तो रिएक्टेंट कम होने लगता है, प्रोडक्ट ज्यादा होने लगता है, मतलब प्रोडक्ट बनने लगता है। तो वैसे अपन ने बोला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होने लगती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होने लगती है, और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जिसपे RF इज इक्वल टू RB होता है। इस सिचुएशन को अपन क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इट मींस साम्यावस्था। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर रिपीट कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर इक्वल होती है, समान होती है, हम वहां पे सांद्रता की बात नहीं करते हैं। समझ में आती है बात बेटा? तो यहां से अपना बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा इसका मैंने आपको पूरा फंडा समझा दिया है। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, द एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI
इन अ 2 लीटर फ्लास्क वुड बी। सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा यदि 64 ग्राम HI एक 2 लीटर के पात्र में रखा जाए। बेटा यहां पे एक टर्म आ रहा है एक्टिव मास, जिसे अपन सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है देखिएगा बेटा, जब भी अपन एक्टिव मास की बात करते हैं तो इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है एक्टिविटी कोफिशियंट जिसे अपन लैम्डा से बताते हैं, इनटू कंसंट्रेशन, सांद्रता। अब यहां पे अपन जब भी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की बात करते हैं उनके लिए लैम्डा क्या हो जाता है अपना 1 हो जाता है। अपन या ये बोले अपन पूरे के लिए एक्टिव मास अपना 1 हो जाता है। हमने क्या बोला, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास 1 हो जाता है। एक्टिव मास को अपन इससे शो करते हैं, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास 1 हो जाता है। बट गैसों के डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अपन जब बात करते हैं तब अपन बोलते हैं कि उस केस में लैम्डा 1 होता है। किसके लिए, गैसों के लिए। अब जब गैसों के लिए लैम्डा 1 हो जाएगा, अपन ने क्या बोला, फॉर गैसेस या फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ गैसेस हमने बोला लैम्डा इज इक्वल टू 1। और जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तब अपन क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 तब अपन क्या बोल सकते हैं, तब अपना होगा एक्टिव मास इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को अपन जनरली मोलेरिटी से बताते हैं, और मोलेरिटी का मतलब होता है बेटा मोल अपॉन वॉल्यूम, जो अपन लीटर में लेते हैं। समझ में आई बात बेटा, मैंने क्या बताया आपको, हमने बोला एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो सक्रियता गुणांक इंटू सांद्रता। यहाँ पे शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव पदार्थों के लिए एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान 1 मान लेते हैं तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन गैसों के तनु विलयन के लिए लैम्डा एक्टिविटी कोफिशियंट सक्रियता गुणांक 1 माना जाता है। उस केस में सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता के इक्वल होगा, सांद्रता मतलब मोलरता और मोलरता का मतलब मोल प्रति लीटर। तो यहां पे अपन को HI के लिए बात कर रहा है, तो अपन जनरली, अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैंने कंप्लीट आइडिया देने के लिए बताया, जब भी आपको एक्टिव मास की बात करें इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी, मोलैरिटी बोले तो मोल अपॉन लीटर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो यहां से एक्टिव मास की बात कर रहा है, ये कंप्लीट फंडा मैंने आपको समझा दिया, तो आप सिंपल क्या बोलोगे, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे मोलैरिटी निकालनी है। इसको शो कैसे करते हैं एक्टिव मास को, अब जैसे HI के लिए एक्टिव मास निकालना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में शो कर देते हैं, क्या होगा मोल अपॉन लीटर। तो अपन ने फॉर्मूला लिख लिया मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट लीटर में लेनी है इसलिए बार बार मैं यहाँ पे लीटर बोल रहा हूँ। मोल के लिए बात करें, अपन को पता है ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट कितना दिया है 64 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट यदि मैं इसका देखना चाहूं तो हाइड्रोजन का 1 और आयोडीन I का हो जाएगा 127, तो ये आपका आएगा 128। वॉल्यूम कितना दिया है आपको, 2 लीटर दिया है तो यहाँ पे 2 कर दो, तो यहां से आपने देखा 64 अपॉन 128 इंटू 2, इससे ये किया 2 टाइम्स गया 1/4 का मतलब या तो 1/4 बोलो या अपन क्या बोल सकते हैं 0.25। तो यहां से अपन को एक्टिव मास जो मिलेगा वो 0.25 मिलेगा। एक्टिव मास का फंडा क्या है ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है, ठीक है जी, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट से अपन शो करते हैं। चले बेटा आगे, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज एनशिएटेड बाय, मतलब द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम किसके द्वारा दिया गया, जिसे अपन LMA भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसकी अभी मैंने आपसे बात की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की जहां बात कर रहे थे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, डायरेक्टली साइंटिस्ट का नेम आपको ध्यान रखना है, गुलबर्ग और वागे ने ये नाम दिया था। ये नाम अजीबो गरीब भाई, हमारी गलती नहीं है, ऐसा ही ये नाम, ठीक है ना। तो ये नाम किसने दिया था, गुलबर्ग और वागे ने दिया था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिएक्शन प्रोसीड टूवर्ड्स द कंप्लीशन, निम्नलिखित में से किसमें अभिक्रिया पूर्णता की ओर अग्रसर होगी। बेटा जब अपन साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पढ़ते हैं, वहां पे अपन को पता लगता है कि के इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा होता है प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनता है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम आप लिखते भी कैसे हो आपको ये पता होना चाहिए। के इक्विलिब्रियम आता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, चाहे कंसंट्रेशन की टर्म में देख लो
चाहे अपन गैसेस के लिए बात करें तो पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में देख लो, ऐसे लिखा जाता है। ये बात अलग है कि अपन गैसेस के लिए बात करते हैं, वो सारी बातें बात की है, लेकिन जनरली मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि अपन जब भी साम्यवस्था स्थिरांक के इक्विलिब्रियम निकालते हैं तब अपन ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट लिखते हैं, मतलब ऊपर उत्पाद नीचे अभिकारक। तो जितना ज्यादा के इक्विलिब्रियम का मान होगा उत्पाद मतलब प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, और प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा मतलब रिएक्शन कंप्लीशन की साइड उतनी ज्यादा जा चुकी है, मतलब पूर्णता की साइड उतनी ज्यादा जा चुकी है। ये यहीं पे यही पूछ रहा है कि किसमें पूर्णता की ओर अग्रसर होगी, मतलब ज्यादा आगे जा चुकी है तो जिसमें के का वैल्यू सबसे ज्यादा हो, और यहाँ पे के की वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। सिंपल, अपन ने बोल दिया के इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां से अपना फर्स्ट ऑप्शन आंसर रहेगा। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हाफिंग द टू रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम हैविंग टू रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल देन द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विल बी। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक है, यदि क्रियाकारकों की सांद्रता को दुगुना कर दिया जाए तब साम्य स्थिरांक। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत बड़े से दिए हुए होते हैं और हम पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक चीज याद रखना बेटा, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो आपका साम्य स्थिरांक है वो केवल टेम्परेचर और एक रिएक्शन, जैसे अपन रिएक्शन का मोड नहीं बोलते हैं कि रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो के इक्विलिब्रियम 1/4 हो जाता है, रिएक्शन को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फैक्टर के इक्विलिब्रियम की पावर में चला जाता है, रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब अपना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर और मोड ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अपना साम्यवस्था स्थिरांक ताप तथा अभिक्रिया को जैसे अपन चेंज करते हैं कि अभिक्रिया को उल्टा किया तो अपना साम्य स्थिरांक 1/4 हो गया, अभिक्रियाओं को जोड़ा तो साम्य स्थिरांक गुणा हो जाता है आपस में, अभिक्रिया को किसी से भी गुणा किया तो वो फैक्टर साम्य स्थिरांक की पावर बन जाता है। केवल इन पे अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपना कंसंट्रेशन हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, कैटलिस्ट हुआ, इन पे डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले तो टेम्परेचर और उसके बाद में मोड ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल क्या कितना ही टाइम्स कर दो, इससे अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफेक्टेड नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य स्थिरांक अपना वही रहेगा, समान रहेगा, रिमेंस द सेम। समझ में आ गया फंडा बेटा मैंने क्या बोला? अपना साम्यवस्था स्थिरांक केवल ताप और अभिक्रिया के जो अपन ऑपरेशन करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और मोड ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इज इट ओके? चले आगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। 2 moles of PCl5 were heated in closed vessel of 2 liter capacity. If 40% PCl5 are dissociated into PCl3 and Cl2 at equilibrium, then calculate equilibrium constant. बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करना है उसको अपन देखते हैं। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट टू टाइप्स का अपन जनरली बात करते हैं। एक तो अपन कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में बात करते हैं, एक अपन प्रेशर की टर्म्स में बात करते हैं। यहां पे अपन जो बात करेंगे वो कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन के लिए हमको मोल वॉल्यूम सब गिवन है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा देता हूँ, क्या क्या डेटा अपने पास गिवन है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हमको इनिशियली 2 moles लिए हैं, इनिशियली मोल्स को ए से बताते हैं, वो 2 है। वी अपने पास दे रखा है 2 liter। इसके बाद में अपन बात करें 40% डिसोसिएटेड हुआ है, तो ये 40% जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जिसे वियोजन की मात्रा भी कहते हैं। 40% का मतलब अपन बोल सकते हैं 0.4। समझ में आ रही है बात बेटा? और अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसको एक बार देखते हैं कैसे कैलकुलेशंस होंगी, कैसे किस टाइप से अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा देखिएगा अपन ने क्या बोला इधर। सिंपल, मैंने PCl5 को डिसोसिएट किया तो वो कैसे डिसोसिएट होगा? PCl3 प्लस Cl2। समझ में आती है बात बेटा? इनिशियली जो मोल है 2, वहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई, मतलब T=0 टाइम पर रिएक्शन स्टार्ट हुई, उस टाइम केवल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट 0। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, मैंने माना 2 में से x मोल डिसोसिएट हुए,
वन के लिए एक्स मोल डिसोसिएट हुए हैं तो वन के लिए एक्स मोल ही बनेंगे। अब ये एक्स कैसे निकालते हैं, तो एक्स का अल्फा और ए के साथ क्या रिलेशन होता है वो ध्यान रखिएगा, एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा होता है। आपको ए पता लग गया इनिशियल मोल 2, अल्फा पता लग गया 0.4, यहां से आपने वैल्यूज पुट की तो एक्स आपका आ गया 0.8, एक्स आपका 0.8 आ गया बेटा। इस एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कीजिए, तो यहां पे आपने पुट की तो 0.8 पुट किया, 2 माइनस 0.8 तो ये आएगा आपका 1.2, यहां पे आ जाएगा सिंपल 0.8, यहां पे आ जाएगा सिंपल 0.8, दैट इज द मोल एट इक्विलिब्रियम। फिर से ध्यान रखिएगा, ये अपन ने जो कंडीशन बात की है ये अपन ने टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर बात की है जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, फिर कुछ टाइम बाद एट टी टाइम मैंने कंसीडर किया, ये वो टाइम है जब अपन ये मान के चल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, साम्य अवस्था की स्थिति आ गई, उस समय क्या क्या मोल होंगे इक्विलिब्रियम पे, कितने कितने मोल होंगे। अब इक्विलिब्रियम पे मैं कंसंट्रेशन निकालूं तो कंसंट्रेशन क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, मोल पर लीटर। हमने मोल्स निकाल लिए, वॉल्यूम अपने पास 2 लीटर है तो मैं क्या बोल दूं इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, तो मैंने बोला कंसंट्रेशन एट टी टाइम, टी टाइम को इक्विलिब्रियम माना हुआ है, 1.2 अपॉन 2, 0.8 अपॉन 2, 0.8 अपॉन 2। यहां से अपन ने सॉल्व किया तो ये आएगा बेटा आपका 0.6, ये आएगा बेटा आपका 0.4, ये आएगा बेटा आपका 0.4। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहां से मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बात करूं इस रिएक्शन के लिए, पहली बात तो ये सारे गैसियस हैं, गैसियस होने चाहिए ये आपको पता होना है, सॉलिड अपन नहीं लेते हैं ये आपको माइंड में होना चाहिए। तो अब कंसंट्रेशन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन गैस वाले ले लिए, सारे गैस है, अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब अपन ने सिंपल इनकी वैल्यूज पुट की, PCl3 और Cl2 दोनों कितने कितने हैं, 0.4 इंटू 0.4, और PCl5 आपका कितना है, 0.6। यहां से अपन इसकी कैलकुलेशन देखी, पॉइंट से पॉइंट हट गया बेटा। कैलकुलेशंस का थोड़ा सा आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, इसका और कोई अपने पास में इलाज नहीं है, यदि आपको पूरा आता है और कैलकुलेशन गलत की तो फिर बेटा दिक्कत हो सकती है। यहां से अपन ने क्या देखा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहां से अपन को क्या मिल गया, Kc इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 अपॉन 3 इंटू 10। इसको सॉल्व किया अपन ने, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, 3 2 जा 6, 2 वहां जाएगा, फिर अपने पास में 20, वही 3 6 जा 18, और फिर दोबारा 3 6 जा 18, फिर डिवाइड लगाएंगे तो 0.266 करके अपन को मिलेगा। मैंने एक एक स्टेप में आपको कैलकुलेशन बताई है, थोड़ा सा आपको वहां पे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना आना चाहिए बेटा। समझ में आ रही है बात, तो यहां से अपन को डायरेक्टली पता लग गया कि इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। किस तरीके से कैलकुलेशन वगैरह है वो सारा मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन वगैरह का आपको एक एक स्टेप में ध्यान रखना हो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 चेंज इनटू 2SO3 द यूनिट ऑफ Kc आर। बेटा Kc की जो यूनिट होती है ना उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी। यहां पे डेल्टा एनजी का मतलब क्या है थोड़ा सा याद रखिएगा, डेल्टा एनजी का मतलब है प्रोडक्ट गैस मोल माइनस रिएक्टेंट गैस मोल। अपन ने क्या बोला, प्रोडक्ट गैस मोल माइनस रिएक्टेंट गैस मोल। समझ में आ रही है बात बेटा, तो ये अपन को फॉर्मूला मिल गया सिंपल, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू प्रोडक्ट गैस मोल माइनस रिएक्टेंट गैस मोल, ओनली गैसेस के लेने हैं ये याद रखिएगा। यहां पे जो रिएक्शन बताई है ये आपको पता होना चाहिए, सारे ये आपके गैस में है। अब गैस में है तो सबसे पहले मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी निकालना चाहूंगा, जिसे अपन ने क्या बोला है, प्रोडक्ट गैस मोल माइनस रिएक्टेंट गैस मोल, मतलब उत्पाद के गैस मोल माइनस अभिकारक के गैस मोल। यहां से अपन चेक करें डेल्टा एनजी क्या आएगा, तो डेल्टा एनजी आएगा आपके पास में प्रोडक्ट के गैस मोल 2 है, रिएक्टेंट के गैस मोल की बात करें तो 2 और 1 3 हो गए, तो यहां से आपके पास में आ गया -1। ये पता लग गया, अब अपना काम इजीली हो जाएगा, तो डेल्टा एनजी इज इक्वल टू -1, तो ये रिवर्स भी कर सकते हैं अपन, तो अपन क्या बोल देंगे, मोल पर लीटर की पावर -1, या अपन इसको रिवर्स करें तो हम क्या बोल देंगे, लीटर मोल इनवर्स। समझ में आ गई बात बेटा,
इसका मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन सिंपल आंसर आएगा। वहीं पे यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की बात करता तो केपी के लिए मोल पर लीटर की जगह एटमॉस्फेयर आ जाता, बाकी वहां भी पावर डेल्टा एनजी रहती। डेल्टा एनजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बार बार आपको कह रहा हूं, इसमें गैस मोल की बात करते हैं ये याद रखिएगा, ये याद नहीं रखोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो जाता है। है छोटी सी चीज लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये क्वेश्चन में आ जाती है, तो थोड़ा सा आपको इसका पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज दिस वन एंड द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज दिस, देन द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। हमें अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक निकालना है, जबकि हमें साम्य स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक दिया है। तो एक छोटा सा रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जो आपका के इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, आपका के एफ अपॉन के बी। इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक बटा पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक जो होता है उसे साम्य स्थिरांक बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां से वैल्यू सिंपल पुट करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है 1.5, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मुझे कैलकुलेट करना है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है 7.5 × 10⁻⁴। समझ में आ रही है बात बेटा, तो यहां से एक बार अपन इनकी कैलकुलेशंस को देख लें और थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, तो केएफ आपका क्या आ जाएगा, 1.5 × 7.5 × 10⁻⁴। बेटा सिंपल आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखें किस अकॉर्डिंगली मांग रहा है, तो यहां पे देखिएगा पॉइंट से पॉइंट जाएगा अपॉन 100, तो ये 10⁻²⁻ हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करते समय बेटा आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसको करने का तरीका या तो पूरा करो, या आपको पता है 75 को 10 से करेंगे 750 और फिर उसके हाफ को आगे ऐड कर दो। वैसे देख लो तो 15 × 5 = 75 हो गया, 7 कैरी चला गया बेटा, तो ये आ जाएगा 15 × 7 = 105 और 7 × 112 × 10⁻⁶। अब देख लो इसको किस ऑर्डर में पूछ रहा है, तो −3 − 4 में पूछ रहा है, −3 में लाना है तो अपन क्या कर लेंगे बेटा, −3 की पावर के लिए अपन थोड़ा सा पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, मेरे को 10⁻⁴ − 3 में लाना है। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन का बेटा ध्यान रखना ही होगा, तो यहां से अपन जैसे ही करेंगे 1.125 × 10⁻³ − 3, तो यहां से 1.125 × 10⁻³ − 3 मतलब थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना था सिंपल, कि फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड होता है रेट कांस्टेंट में, बाकी चाहे कंसंट्रेशन हो चाहे प्रेशर दिया हो तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो ये अपना बेटा सिंपल क्वेश्चन नंबर 8 था, जो आपको रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन बता रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एट 3000 केल्विन द इक्विलिब्रियम प्रेशर, देखिए बेटा डायरेक्ट हमारे को इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है, यदि इनिशियल देता तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्विलिब्रियम पे पहुंचना होता, आज ऑलरेडी आपको इक्विलिब्रियम पे दिया है तो ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। किस किस का दिया है, CO2, CO और O2 का दिया है, देन KP फॉर द रिएक्शन। पहली बात तो रिएक्शन में आपको ये पता होना चाहिए गैस है नहीं है बेटा, CO2, CO और O2 सभी गैस है, इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो KP क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, उत्पाद का आंशिक दाब बटे अभिकारक का आंशिक दाब। यहां पे अपन देखें उत्पाद कौन है, ये तो अपन ये बात करें PCO का स्क्वायर PO2 अपॉन PCO2 का स्क्वायर, यही आएंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। इनके लिए मैं सिंपल वैल्यूज पुट करूं, हमेशा ये वैल्यूज इक्विलिब्रियम पे रखी जाएंगी, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है, यदि इक्विलिब्रियम प्रेशर नहीं देता तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन उसको कैलकुलेट करते। तो यहां से अपन बात करें CO का अपन को जो प्रेशर दिया है वो 0.4 इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि तो रिएक्शन में जो कोफिशियंट होता है वो स्क्वायर में चला जाता है, मतलब पावर में चला जाता है। O2 ऑक्सीजन का प्रेशर दिया है 0.2 बेटा, कैलकुलेशन 1-1 स्टेप में आप ध्यान रखें, कैलकुलेशन से रिलेटेड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
फिर अपन बात करें CO2 का प्रेशर, अपन को दिया है 0.6, तो ये आएगा आपका 0.6 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। थोड़ा सा अपन इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं कैसे हो रही है। पॉइंट्स को हटाते हुए 0.4 × 0.4 × 0.2 0.6 × 0.6 पॉइंट से ये पॉइंट चलेगा, इज इट ओके। इसके बाद अपन ने ये पॉइंट हटाया और यहाँ पे 10 लिख दिया, हो सकता है बेटा। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशंस को देख लेते हैं कैसे हो रहा है। ये 2, ये 3, ये 2, ये 3, बोलिए सही बात है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 upon क्या रहेगा 9। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं 8 upon 9 × 10। इसको देखें अपन थोड़ा सा, 10 रहने दें, तो यहां से देखते हैं क्या होता है। 9 8 जा कितना होता है अपना 72 होता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं जा रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे 0.7 आएगा। समझ में आ रही है बात। तो 0.77 upon 10 करोगे तो बेटा उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है। कैलकुलेशन से रिलेटेड यदि मिस्टेक करोगे तो बेटा आपका आंसर नहीं आएगा। ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कैलकुलेशन वगैरह कैसे हो रहे हैं, इसके आंसर्स कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन में कैलकुलेशन रिलेटेड कोई भी मिस्टेक नहीं करें। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये अराउंड आपके पास कितना आ जाएगा, 9 8 = 72 आ रहा है आपका। तो यहाँ पे बेटा ये 0.088 आएगा, 0.088, जिसको अपन थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 0.088 को अपन क्या बोल सकते हैं, 0.089 भी बोल सकते हैं। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर रहेगा। कैसे रहेगा वो बता दिया। याद रखें फॉर्मूले में हमेशा चाहे केपी हो या केसी, इक्विलिब्रियम वाला डेटा रखते हैं, साम्यावस्था वाला डेटा रखते हैं, और जो भी कोफिशियंट आ रहे हो गैसियस टर्म की बात करेंगे वो पावर में चले जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। When 3 moles of A and 1 moles of B are mixed in 1 liter vessel, the following reaction takes place. 1.5 mole of C are formed. अब कब बने, अपन ये इक्विलिब्रियम पे मान के चलते हैं। Then इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, ये अपन ये मान के चल रहे हैं A के 3 मोल और B का 1 मोल 1 लीटर के बर्तन में हमने लेके रिएक्शन करवाई, तो साम्यावस्था पर C के 1.5 मोल बनते हैं। हम ये मान रहे हैं कि साम्यावस्था पे बनते हैं, वहां पे क्लियर देता है, तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं। तो रिएक्शन क्या हुई आपकी, ए प्लस बी रिवर्सिबल 2C। सारे देखिएगा गैस में दिए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनिशियल मोल 3 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी, उस टाइम प्रोडक्ट होगा आपका 0, ये अपन मान रहे हैं T = 0 टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट हुई। और जैसे ही अपन को इक्विलिब्रियम मिल गया, हम मान रहे हैं टी टाइम पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो जैसे ही इक्विलिब्रियम मिलेगा इसमें से एक्स मोल डिसोसिएट, 1 के लिए एक्स मोल डिसोसिएट हुए तो इधर भी 1 के लिए एक्स मोल ही होंगे, 1 के लिए एक्स मोल डिसोसिएट हुए तो 2 के लिए 2x मोल बनेंगे। यहां पे अपन को बोला है इक्विलिब्रियम पे 1.5 मोल ऑफ सी आर फॉर्म्ड, इसका मतलब ये जो 2x है इसके लिए अपन को डेटा दे दिया, तो आप क्या बोलोगे 2x = 1.5, बोलो बोल सकते हैं अपन। तो यहां से 2x = ये पता लग गया, तो x = क्या आ जाएगा 1.5 upon 2, कैलकुलेशन कर ले तो 0.7 और 1 आ जाएगा 0.75। x की वैल्यू आपको पता लग गई, x की वैल्यू आप फॉर्मूलाज में पुट करो और उसके बाद आपको वैल्यू सॉल्व करनी है। सिंपल किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है इसका मैंने आपको लॉजिक बताया। यहां पे वॉल्यूम ऑलरेडी 1 लीटर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोल और कंसंट्रेशन इक्वल होगा, क्योंकि कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर, लीटर 1 है तो कंसेंट्रेशन और मोल इक्वल होगा। तो यहाँ पे 3 माइनस 0.75 किया तो आपका कितना आ जाएगा 2.25 बोल सकता हूं मैं इसको, तो यहां से अपन को पता लग गया ये कितना रहेगा अपना 2.25। क्लियर हो गई बात बेटा, ये 1 माइनस 0.75 तो 0.25 और ये 2x तो ये 1.5 है, वॉल्यूम ऑलरेडी 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के लिए बात करूं, क्या होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जो कोफिशियंट है वो पावर लग जाएगा। तो सिंपल अपन यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। सी अपन को पता लग गया 1.5, तो 1.5 × 1.5 क्योंकि स्क्वायर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक नहीं करें। यहां पे 2.25 × 0.25 है, बोलिए इतनी बात समझ में आती है। तो सिंपल कैलकुलेशंस अब अपन को पुट करनी है, यहां से ये गए तो 2 जीरो चले गए,
फिर अपन थोड़ा सा इसको आगे बात कर लेते हैं किस तरीके से आ रहा है अपने पास में ये। तो 15 × 15 ये पॉइंट जाएगा × 100, 225 × 25। समझ में आती है बात बेटा? थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करके देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेशंस हो रही है। बेटा यहाँ से ये 4 times हुआ, बेटा इसको देखा 15 × 15 वहां 7 चला गया कैरी, 75 हुआ, 15 × 5 = 75। सही बात है क्या? देख लेना भाई, देखे कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से ये चला गया तो आपका सिंपल कितना आ गया, 4 आना चाहिए। तो यहाँ से 4 आ रहा है अपना ऑप्शन 4, इसका मतलब 10th का ऑप्शन 4 करेक्ट है। कैसे होगा इससे रिलेटेड अपन ने यहाँ पे सारी बात कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट। बेटा जनरली अपन क्वेश्चन इतनी जल्दी जल्दीबाजी कर जाते हैं कि क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ते। वो पूछ रहा है निम्न में से किसमें साम्य में मोलों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, और हम जल्दी जल्दी में पढ़ जाते हैं परिवर्तन होगा। तो ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी, वो लिखा हुआ होता है ना दुर्घटना से देर भली। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेटा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चीज को आप अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पे अपन को बोल रहा है डज नॉट ऑल्टर द नंबर ऑफ मोल्स, डज नॉट बोला है चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब बेटा जहां पे डेल्टा एन जी मतलब प्रोडक्ट गैस मोल माइनस रिएक्टेंट गैस मोल 0 होगा, वहां पे वॉल्यूम में चेंज करने से मोल्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब डेल्टा एन जी निकाल लो, कहां पे डेल्टा एन जी 0 है, समझ में आ रही है बात? उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहां पे देखे प्रोडक्ट गैस मोल माइनस रिएक्टेंट गैस मोल, गैस 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 है, तो 2 − 2 इसके लिए 0 आएगा, 2 − 1 इसके लिए 1 आएगा, 2 − 4 इसके लिए −2 आएगा, 2 − 1 इसके लिए 1 आएगा। तो यहाँ पे 0 किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है। तो सिंपल अपना फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा कि यदि आप वॉल्यूम में चेंज भी करोगे तो इस रिएक्शन के मोल्स में कोई चेंज नहीं होंगे इक्विलिब्रियम पे, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 है, मतलब उत्पाद के गैस मोल माइनस अभिकारक के गैस मोल कितने हैं, यहाँ पे 0 है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो सिंपल इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कैसे होगा इसकी बात अपन ने कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन P4 + 5O2 चेंज इनटू P4O10। तो यहां से बेटा अपन बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रहा है, ऑप्शंस बोलते हैं केसी की टर्म्स में लो, कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो वही बात आपको मैंने पहले भी बोली है कि सॉलिड के लिए नहीं लेना है, केवल गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो सॉलिड के लिए नहीं लेना है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यदि ये याद नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन वैसा भी आपको अरेंज किया जाता है। तो सिंपल गैस के लिए अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है तो 1, 0 नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था सॉलिड और लिक्विड के लिए अपन कंसंट्रेशन, जिसे अपन क्या बोल रहे थे, एक्टिव मास 1 मानते हैं, 0 नहीं मानना, तो 1 मान लिया। और गैस के लिए आएगा ही, गैस के लिए कंसंट्रेशन क्या है, O2, उसका कोफिशियंट क्या है, 5, वो पावर चला जाएगा, तो केसी आएगा 1/O2^5, तो 1/O2^5 यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए आपकी सीएलसी ने 6-pack नाम से जो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपकी बायो की बुक, आपकी केमिस्ट्री की बुक, प्रीवियस ईयर की बुक, फिजिक्स इको, ये सब मटेरियल बहुत शानदार मटेरियल है, जिससे आप रैंक इजीली बूस्टअप कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो। समझ में आ रही है बात? बाकी यूट्यूब पे आपके पास में इतने सारे क्वेश्चन सीएलसी के द्वारा दिए गए हैं, उनको आप करोगे तो बेटा इजीली आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो ये जो एग्जाम के पास वाला टाइम होता है, इस पे पैनिक नहीं होना होता, इस पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। फिर अपन बेटा इसमें आगे बात करते हैं, आगे और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन हैविंग द प्रेशर एंड डबलिंग द वॉल्यूम ऑन द सिस्टम एट 500°C। तो बेटा यहां पे क्या बोल रहा है कि हमने प्रेशर को तो आधा कर दिया और वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो इस सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए ये बात कर रहा है। बेटा यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे डेल्टा एन जी सारे गैस में है, तो डेल्टा एन जी जो प्रोडक्ट गैस मोल माइनस रिएक्टेंट गैस मोल है, वो आप चेक करोगे तो यहाँ से पता लग रहा है डेल्टा एन जी आपका 0 है। और अभी अपन पीछे भी क्वेश्चन करके आए थे कि यदि डेल्टा एन जी 0 होता है तो अपन प्रेशर वॉल्यूम में कोई इफेक्ट को शो नहीं करते, क्योंकि अपन जब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल मतलब ला शातलीय नियम पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं दाब और आयतन का प्रभाव डेल्टा एन जी के आधार पे होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का फैक्टर जो होता है वो डेल्टा एन जी के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। जब डेल्टा एन जी ही 0 है,
इसका मतलब यहां पे नो चेंज, तो नो इफेक्ट आएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। समझ में आ रही है बात बेटा? तो डेल्टा एनजी देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई क्वेश्चन में काम आ रहा है, तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बट मैटर इज दैट कि आपको गैस सॉलिड लिक्विड इनका पता होना चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बिल्कुल केयरफुली करनी होगी। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ केपी विल बी इक्वल टू केसी। बेटा केपी और केसी के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूं, केपी और केसी में रिलेशन होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। समझ में आई बात बेटा? केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। यहां पे अपन बेटा तीन केस की बात करते हैं कि यदि डेल्टा एनजी आपका जीरो है, डेल्टा एनजी आपका जीरो है फर्स्ट केस, तब आपका क्या हो जाएगा बेटा? तब अपन बोलते हैं केपी इज इक्वल टू केसी। केस नंबर सेकंड अपन क्या बोलते हैं? जब आपका डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो है, या अपन क्या बोल दे, पॉजिटिव है, इसके लिए भी अपन बात कर रहे हैं। जब आपका डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, उस केस में बात कर रहे हैं, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, तब अपन क्या बोलते हैं? केपी आपका ग्रेटर देन होगा केसी के। और थर्ड केस अपन बोलेंगे जब आपका डेल्टा जी नेगेटिव हो, और नेगेटिव होगा डेल्टा एनजी, उस केस में आपका केपी लेस देन होगा केसी के। तो ये कुछ फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, कुछ केसेस आपको पता होने चाहिए जिनकी बात की। यहाँ पे बोल रहा है केपी विल बी इक्वल टू केसी, कब होगा? जब डेल्टा एनजी जीरो, और डेल्टा एनजी जीरो आपको पता है ये सारे गैस है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में दे, आपको खुद को भी पता होना चाहिए डेल्टा एनजी जीरो है, तो इसी के लिए केपी और केसी इक्वल होंगे। बाकी कहीं भी डेल्टा एनजी जीरो नहीं है तो इनमें केपी और केसी इक्वल नहीं हो सकते हैं। इज इट ओके? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 14 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? इसका मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशंस और सिंपल डेरिवेशन बताया केपी केसी में। नेक्स्ट, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 2HI चेंज इनटू H2+I2, 2HI चेंज इनटू H2+I2 इज 0.25, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2+I2 चेंज इनटू 2HI। बेटा अभी अपन ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बात की थी कि अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक तो टेम्परेचर और एक मोड ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, तो ये वही मोड ऑफ रिएक्शन है। हमने बात की थी कि साम्य स्थिरांक हमारा ताप और अभिक्रिया के मोड पे डिपेंड करता है। मोड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन को आपने रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/2 होता है, रिएक्शन को आपने किसी से भी मल्टीप्लाई किया तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसी फैक्टर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर बनेगा, और आपने रिएक्शंस को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया है उसमें ऑपरेशन करना है, और उसे किसकी तरह बनाना है, जो हमें निकालना है, हमें निकालना है जिसमें HI राइट हैंड साइड में है, इधर HI लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करो, रिवर्स करेंगे तो H2+I2 चेंज इनटू 2HI, और जब रिएक्शन रिवर्स की जाती है तो आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी 1/2 हो जाता है, तो आपका केसी डैश क्या होगा, 1/0.25। सॉल्व करोगे तो यहां से ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 4, तो इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन यहां से आंसर आएगा। समझ में आ रही है बात बेटा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। In which of the following equilibria the value of KP is less than KC? मेरे को KP less than KC चाहिए। अभी पीछे अपन इसके केस देख के आए थे। इसका मतलब जिसमें डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा वहां पे KP less than KC होगा, क्योंकि डेल्टा एनजी जीरो हुआ तो KP और KC इक्वल, डेल्टा एनजी पॉजिटिव हुआ तो KP ग्रेटर देन KC के। यहाँ पे KP less than KC चाहिए तो डेल्टा एनजी नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे डेल्टा एनजी जीरो है तो ये अपना आंसर नहीं होगा, यहाँ पे डेल्टा एनजी देखो 2-4 तो यहाँ पे डेल्टा एनजी आपका आएगा -2, तो ये अपना आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एनजी नेगेटिव है मतलब केपी लेस देन केसी, इसमें डेल्टा एनजी पॉजिटिव आएगा ये आंसर नहीं, इसमें डेल्टा एनजी जीरो ये आंसर नहीं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। कैसे होगा इसकी बेटा अपन ने बात कर ली, किस तरीके से बात की है, चले बेटा आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फॉर द रिएक्शन C+CO2 चेंज इनटू 2CO, बेटा देखिए सॉलिड दिया है, इस इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपको सॉलिड लिक्विड गैस का पता होना चाहिए, नहीं तो बेटा प्रॉब्लम होगी,
क्योंकि जब यदि क्वेश्चन में डेल्टा एनजी सीन में आएगा और वहां पे यदि आपने सॉलिड लिक्विड गैस में मिस्टेक कर दी तो फिर क्वेश्चन गलत होना पक्का है। अरे समझ में आ गई ना बात। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड CO आर दिस एंड दिस एटमॉस्फेयर रेस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे दे दिया, देन द KP फॉर द रिएक्शन। बेटा KP अपन को पता है केवल गैस के लिए लेते हैं, इसके लिए नहीं लेंगे। तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर जो कोफिशियंट है वो पावर में आ गया, बटा रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। यहां से अपन बात करें CO का पार्शियल प्रेशर है 4, तो 4 × 4 क्योंकि स्क्वायर है। CO2 का पार्शियल प्रेशर है 2, यहां से ये जाएगा तो यहां से सिंपल आपके पास में कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन आंसर रहेगा। कैसे रहेगा इसके लिए मैंने आपको समझा दिया है, कैलकुलेशंस वगैरह आपको ज्यादा टाइम के साथ देखनी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 18। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 64 इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा इसके लिए 64 है तो 64 ही रहेगा। पीछे बात करके आए थे कि साम्यावस्था स्थिरांक, आपका वॉल्यूम, आपका प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट मतलब दाब, आयतन, उत्प्रेरक सांद्रता से प्रभावित नहीं होता, केवल ताप और मोड ऑफ रिएक्शन से होता है। टेम्परेचर और मोड ऑफ रिएक्शन से होगा, तो आप वॉल्यूम को 1/4 करो या कितना भी करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए 64 ही रहेगा। तो आपका इसका ऑप्शन 3 आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ केमिकल इक्विलिब्रियम इज रॉन्ग। याद रखिएगा रॉन्ग पूछा है, फिर कह रहा हूं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, ऐसी जल्दीबाजी ना करें कि क्वेश्चन गलत हो जाए। क्या बोल रहा है, एन इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। सही बात है बेटा, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट प्रेशर से इफेक्टेड नहीं होता, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। साम्यावस्था ताप दाब सांद्रता उत्प्रेरक, उत्प्रेरक से नहीं होगी, ताप दाब आयतन इनसे प्रभावित होती है। साम्यावस्था स्थिरांक नहीं होता, समझ में आ रही है बात। साम्यावस्था स्थिरांक केवल ताप और मोड ऑफ रिएक्शन से होता है। तो यहां पे साम्यावस्था की बात की, इक्विलिब्रियम की बात की है, सही बात है वो शिफ्ट हो सकता है, तो ये तो सही है। हमसे रॉन्ग पूछा, ये आंसर नहीं होगा। एन इक्विलिब्रियम इज डायनामिक, बेटा बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। साम्य एक गतिक साम्य होता है, अर्थात साम्यावस्था आ जाती है तो हमें लगता है कि रिएक्शन रुक गई, लेकिन रिएक्शन रुकती नहीं है, चलती रहती है, दोनों की रेट सेम हो जाती है इसलिए हमें लगता है। बट इक्विलिब्रियम आने पर भी रिएक्शन चलती रहती है, इसलिए इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता, गतिक साम्य होता है। तो ये भी सही बात है, रॉन्ग पूछा, ये भी आंसर नहीं होगा अपना। थर्ड, द सेम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड वेदर वन स्टार्ट्स विद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। तो बेटा इसकी बात भी सही है कि इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड रिएक्शन से ही मिले या बैकवर्ड से मिले, किसी भी रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन से मिल सकता है। तो ये भी सही है, ये आंसर नहीं है। तो रॉन्ग फिर यही बच गया, यही रॉन्ग होगा। देख लेते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। गलत बात है, कैटलिस्ट उत्प्रेरक से तो साम्यावस्था और साम्यावस्था स्थिरांक दोनों ही प्रभावित नहीं होते। इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों ही कैटलिस्ट से अफेक्टेड नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात बेटा, तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग ही पूछा था, तो अपना फोर्थ ऑप्शन आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज दिस, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस। तो अभी आपको बताया था जो रिएक्शन दे रखी है उसको ऑपरेशन करके चेंज करो जो चाहिए। यदि रिएक्शन रिवर्स होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/4 हो जाएगा, रिएक्शन एड्स होंगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, और रिएक्शन को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर चला जाएगा वो फैक्टर। तो यहां से अपन ने देखा ए बी है, यहाँ 2AB है, मतलब इस रिएक्शन को आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आएगा, ए बी चेंज इंटू 1/2 A2 प्लस 1/2 B2। तो जिससे मल्टीप्लाई किया वो इसकी पावर चला जाएगा, तो 49 की पावर 1/2 मतलब रूट किया, और रूट किया तो कितना आ जाएगा 7। तो इसका आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस तरीके से होगा इसकी बात अपन ने बेटा कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। बेटा नॉट बोला है कि आपकी जो क्या बोला है, केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो बेटा अभी बात की थी
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम स्टेट दोनों ही कैटलिस्ट से प्रभावित नहीं होती और दोनों ही टेम्परेचर से इफेक्टेड होती है। तो यहाँ पे अपन सिंपल बोल सकते हैं कैटलिस्ट से अफेक्टेड नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, उत्प्रेरक द्वारा आपकी रासायनिक साम्य प्रभावित नहीं होता है। तो यहां से आपका सेकंड ऑप्शन आंसर रहेगा। कैसे रहेगा इसकी बात अपन ने कर ली है। इसके बाद फॉर रिएक्शन 2A चेंज इनटू 3C प्लस D, ये अपन को रिएक्शन दी है। इसके लिए वैल्यू ऑफ KC विल बी इक्वल टू, तो आपको बेटा पता होना चाहिए KP और KC में रिलेशन, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG। ये अभी अपन ने पीछे भी पढ़ा था, सॉलिड के लिए डेल्टा एनजी काउंट नहीं करते, तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी क्या होगा, प्रोडक्ट गैस मोल माइनस रिएक्टेंट गैस मोल, तो ये आपका 1 आएगा, ये आपका 1 आ गया। आपको पूछा क्या है केसी, तो अपन को क्या मिला, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी। तो यहां से आप सिंपल बोल सकते हो कि आपका जो केसी होगा वो केसी क्या होगा, केपी अपॉन आरटी, तो केपी अपॉन आरटी आएगा। केपी अपॉन आरटी अपना सेकेंड ऑप्शन है। किस तरीके से हुआ है आपको एक एक स्टेप यहां पे बेटा पता होना चाहिए। डन बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर विच डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जीरो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके थर्मोडायनेमिक्स, आपके केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब में इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो कॉमन मैं आपको पूरा समझा देता हूं। अपनी गिब्स एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यू, बेस 10 पे बात कर रहे हैं, ये आपकी गिब्स एनर्जी इक्वेशन होती है। जब अपन इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे याद रखिए डेल्टा जी आपका जीरो होता है, और जब डेल्टा जी जीरो होगा उस केस में क्यू आपका के इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। किस कंडीशन पे, ओनली एंड ओनली इक्विलिब्रियम पर, साम्यावस्था पर। तो यहां पे वैल्यूज पुट करो, जैसे ही आपने वैल्यूज पुट की तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग बेस 10 पे के इक्विलिब्रियम। जैसे इसको अपन ने सॉल्व किया तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ये आपको सिंपल मिलेगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहां से एक एक्सप्रेशन अपन को ये मिल गया। अब इसमें अपन को क्या बात पूछी है, मान लो ये लॉग बेस 10 पे नहीं पूछ के बेस ई पे पूछता तो 2.303 हट जाता, तो बेस ई पे क्या हो जाता आपका, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आरटी एलएन के इक्विलिब्रियम। एलएन का मतलब बेस ई पे होता है, और यहां से क्या आ जाता आपका, एलएन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आरटी। और यहां से लॉग की प्रॉपर्टी लिख के इसको सॉल्व करते तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आरटी, आपको सिंपल मिलता। तो किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है इसका लॉजिक मैंने आपको बेटा बता दिया है। यहां पे अपन को क्या पूछा है, डेल्टा जी नॉट जीरो हो, मान लो बेटा डेल्टा जी नॉट जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो गया, तो बेटा ये कंप्लीट जीरो आएगा, तो लॉग 10 के इक्विलिब्रियम जीरो, लॉग 10 के इक्विलिब्रियम आपका जीरो। तो यहां से इसकी प्रॉपर्टी से सॉल्व करोगे तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 to the power 0, और किसी की भी पावर 0 1, तो यहां से आपका सेकंड ऑप्शन आंसर रहेगा। तो इससे रिलेटेड जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं वो मैंने सारे बताए। यहां पे जो एक प्रॉपर्टी काम में आ रही है वो ध्यान रखिएगा, लॉग AB इज इक्वल टू X है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो B इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, A to the power X। समझ में आ रही है बात बेटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बेस 10 है तो इसको कंपेयर कर लो तो बी क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम 10 to the power 0, और किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन आंसर रहेगा। और इसके अदर फॉर्म्स क्या हो सकते हैं वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। यदि बेस 10 है तो 2.303 आएगा, बेस ई है तो 2.303 नहीं आएगा, ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO2 plus O2 change into 2SO3, बेटा यहाँ पे साथ में plus Q दिया है, एक बार पूरी रिएक्शन लिख लेते हैं, 2SO2 plus O2 change into 2SO3 plus Q किलो कैलोरी या जो भी है। बेटा यहाँ पे प्लस का मतलब सिंपल समझ में आ रहा है कि आपकी ऊष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है,
तो ये आपकी एक्जोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी हुई और ये वाली आपकी एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी हुई। आपको बोल रहा है कंडीशन फॉर हायर प्रोडक्शन ऑफ SO3, मेरे को SO3 ज्यादा बनाना है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अभिक्रिया के लिए बात करनी है कि अग्र अभिक्रिया कैसे बनेगी, अग्र दिशा में अपन कैसे चलेंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यहाँ एक्सो रिस्पॉन्सिबल है और एक्सो टेम्परेचर के इनवर्सली होती है, इसको बढ़ाना है तो टेम्परेचर को कम करना होगा, एंडो बढ़ाना होता है तो टेम्परेचर बढ़ाना होता है, और एक्सो बढ़ाना होता है तो टेम्परेचर कम करना होता है। लीच एटलियर्स के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे एक तो टेम्परेचर अपन को कम करना पड़ेगा। बेटा प्रेशर के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, वो ट्रिक समझना क्या बोल रहे हैं। दोबारा रिएक्शन लिख लेता हूं, 2SO2 plus O2 change into 2SO3, या तो आप पूरा इसको फॉर्मूला जैसे लीच एटलियर्स ने बता दिया उसके अकॉर्डिंग करो, या सिंपल देखो क्या ट्रिक है। सबसे पहले आप गैस लिख लो, ये सारे गैस आ गए आपके, समझ में आ रही है बात। अब आप रिएक्टेंट के टोटल गैस मोल काउंट कर लो, 2 और 1 कितने हो गए 3, रिएक्टेंट में टोटल गैस मोल कितने आए 3, अभिकारक में, उत्पाद में टोटल गैस मोल कितने आए 2। केवल गैस मोल की बात कर रहा हूं, याद रखना लीच एटलियर्स जो काम करता है वो उल्टे करता है, ऐसे मान लो एक बार, ठीक है, याद करने का तरीका है। और हमको पता है मोल और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जो मोल के साथ होगा वही प्रेशर के साथ होगा। मेरे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो फॉरवर्ड के लिए क्या कर रहे हैं वो देख लो, बैकवर्ड में पूछेगा तो उसका उल्टा कर देंगे। 3 से 2 मोल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से मोल कम हो रहे हैं तो प्रेशर भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, प्रेशर भी कम हो रहा है। लीच एटलियर जो काम करता है उल्टे करता है, तो प्रेशर कम हो रहा है, इधर क्या कर देगा वो प्रेशर को ज्यादा। दोबारा समझ लो क्या ट्रिक है, रिएक्टेंट के गैस मोल 3 है, प्रोडक्ट के गैस मोल 2 है, आगे जाने पर मोल कम हो रहे हैं तो प्रेशर भी कम होगा, लीच एटलियट सारे काम उल्टे करता है तो प्रेशर को इंक्रीज कर देगा फॉरवर्ड के लिए। अब बैकवर्ड में पूछ लेता तो पहले फॉरवर्ड निकाल लो, इसका उल्टा कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे प्रेशर तो बैकवर्ड में चले जाओगे। तो यहाँ पे फॉरवर्ड के लिए अपने क्या बोला, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा इसके लिए अपन ने यहाँ पे बात की, यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई है कि लीच एटलियर्स के अकॉर्डिंग अपन प्रेशर और मोल्स को किस अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो थोड़ा सा बेटा आपको इनके किस तरीके से अपन स्टेप्स लगा रहे हैं, किस तरीके से ट्रिक्स लगा रहे हैं, ये पता होना चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, फॉर द इक्विलिब्रियम 2NO2 चेंज इनटू N2O4 प्लस 14.6 किलो कैलोरी। अपन को बोला है 2NO2 चेंज इनटू N2O4 प्लस 14.6 किलो कैलोरी। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अगेन हीट निकल रही है, इसका मतलब ये ऊष्मा शेपी एक्सोथर्मिक और ये ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक। यहां से इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर एंडो के प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज करोगे तो एंडो बढ़ेगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे पश्च अभिक्रिया में जाएंगे तो देख लेते हैं क्या होगा। तो NO2 तो बढ़ेगा, N2O4 ज्यादा टूटेगा, क्योंकि ये जितना ज्यादा टूटेगा उतना पीछे जाएंगे, तो अपन बोलेंगे फेवर द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4, क्योंकि डीकम्पोजिशन का मतलब N2O4 जितना ज्यादा वियोजित होगा हम पश्च दिशा में आएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, जो एंडो है, और एंडो टेम्परेचर के प्रपोर्शनल होती है। तो यहां से आपका सिंपल सेकेंड ऑप्शन आंसर रहेगा, कैसे रहेगा इसके लिए अपन ने बेटा सिंपल बात कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन इक्विलिब्रियम सिस्टम, टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपको पता है टेम्परेचर एंडो के प्रोपोर्शनल है, तो फेवर्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन, केवल ऊष्मा शोषी क्रिया के लिए उपयुक्त है, सही बात। टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडो बढ़ती है जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सो डिक्रीज होती है, तो हम बोल दें टेम्परेचर एंडो के प्रोपोर्शनल है और एक्सो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 27, फॉर द रिएक्शन PCl5 चेंज इनटू PCl3 प्लस Cl2, द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय, मतलब नियत ताप पर PCl5 चेंज इनटू PCl3 प्लस Cl2 के लिए अग्र अभिक्रिया किस दिशा के लिए, मतलब अग्र दिशा में जाना है तो कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होगी। पहला, इंट्रोड्यूसिंग द इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिल्कुल गलत। याद रखिएगा लीच एटलियर्स लाश आतलिए ने हमें बताया था कि स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस का योग करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस का प्रयोग कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा, इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब इनर्ट गैस नहीं है, बाकी रिएक्टेंट की बात हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए रिएक्शन के अकॉर्डिंग यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें तो हम जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वहीं पे यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम कम करें और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करें तो जाते हैं हम बैकवर्ड डायरेक्शन में। आज हमें फॉरवर्ड में जाना है, तो इसने Cl2 को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब Cl2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज की है, तो अपन यहाँ पे देखते चलेंगे एक एक के अकॉर्डिंग, और जो इसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। बेटा वही फंडा याद रखना जो लीच एंड क्लियर्स प्रिंसिपल में पढ़ते हो कि इनर्ट गैस यदि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे आप एड करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये चीज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्लोरीन गैस को एड किया, क्लोरीन क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, हमें फॉरवर्ड के लिए पूछा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई एडिशन नहीं होता है, कोई फर्क नहीं डालता, बट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे फर्क डाल सकता है, इसको अपन को चेक करना पड़ेगा कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे यदि अपन ने कोई गैस एड कर दी इनर्ट गैस तो क्या होगा। तो लीच एटलियर्स बताता है अपन को कि नियत दाब पर अक्रिय गैस का योग, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कैसे निकालते हैं, अल्फा ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वियोजन की मात्रा, प्रोपोर्शनल टू, ये पहला वाला अल्फा है दूसरा वाला प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना, वी की पावर, सॉरी क्या बोलते हैं अपन, वी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन प्रोडक्ट गैस मोल, समझ में आ रही है बात बेटा। तो यहां से अपन बात करें अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी, अब डेल्टा एन जी देखना है, डेल्टा एन जी इस रिएक्शन के लिए क्या आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैस मोल, तो वन आ गया, अपॉन प्रोडक्ट गैस मोल टू। बेटा अपन को इधर की वैल्यू से मतलब नहीं है, अपन को यहां पे सिंपल साइन देखना है, पॉजिटिव है मतलब ये अल्फा के प्रोपोर्शनल है। मैं जब नियत दाब पर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर अक्रिय गैस डालूंगा, इनर्ट गैस डालूंगा, तो कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अल्फा इंक्रीज होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है, अल्फा जब इंक्रीज होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है, वियोजन की मात्रा इंक्रीज हो रही है, मतलब अभिकारक उतना ज्यादा टूट रहा है, रिएक्टेंट उतना ज्यादा डीकंपोज हो रहा है, इसका मतलब अपन कहां जाते जा रहे हैं, हम फॉरवर्ड रिएक्शन में जाते जा रहे हैं, समझ में आ रही है बात बेटा। तो याद रखिएगा अल्फा इंक्रीज होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और अल्फा डिक्रीज होता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का एडिशन कोई फर्क नहीं डालता है, कोई प्रभाव नहीं डालता, बट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे डालता है, जिसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया है, और वहां से आप देख लो कि यदि इनर्ट गैस डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा यहाँ पे प्रोपोर्शनल है तो अल्फा बढ़ रहा है, अल्फा बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, अल्फा डिक्रीज होता तो बैकवर्ड, अब मान लो यहाँ पे पावर माइनस आ जाती तो इनवर्स हो जाता रिलेशन, फिर उल्टा हो जाता। अरे समझ में आ रही है ना बात, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूरा मैंने आपको लॉजिक समझाया किस तरीके से निकालना है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये क्या थे ये सारे, ये अपन इक्विलिब्रियम को ऑल्टर जो करता है, इक्विलिब्रियम को अफेक्टेड करते हैं, उसमें अपन प्रेशर, टेम्परेचर, आपका एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, आपका कंसंट्रेशन, इनके फैक्टर्स देखते हैं जो हम लाश आतलीय नियम लीच एटलियर्स प्रिंसिपल में बात करते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पे क्वेश्चन 28 की बात करते हैं, 27 में आपको पता लग गया है, आपका 27 में बेटा थर्ड ऑप्शन आंसर रहेगा, ये अपन बात कर चुके हैं। अब इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं, इन द इक्विलिब्रियम ए बी चेंज इन टू ए प्लस बी, इफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल देन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वुड बी। बेटा ए बी सॉलिड है, सॉलिड नहीं लेते, ध्यान रखिए, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखूं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट में वन आएगा क्योंकि सॉलिड के लिए अपन वन मान लेते हैं, एक्टिव मास ये हम स्टार्टिंग में देख के आए थे। अब यहां से अपन को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ये तो टेम्परेचर और मोड ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, तो ये तो कांस्टेंट रहना है। अब आपने ए को डबल कर दिया तो बी को क्या करना पड़ेगा, सेम रखने के लिए इसको डबल किया है तो इसको आपको हाफ करना पड़ेगा, तभी तो पहले वाली स्थिति बनी रहेगी, तभी ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ए को डबल किया है तो बी को हाफ करना पड़ेगा, और बी को हाफ कर रहे हो इसका मतलब यहाँ पे बेटा आपका सेकंड ऑप्शन आंसर रहेगा,
कैसे रहेगा, इसके लिए अपन ने सिंपल बात की है। तो यहां पे आपको सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि रिएक्शन में सॉलिड कौन है, गैस कौन है, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। समझ में आ रही है बात बेटा? तो यहां से अपन ने क्या बोला, आपको ए को डबल कर दिया तो बी आपका हाफ हो जाएगा, तो आपका यहां पे सिंपल सेकंड ऑप्शन आंसर रहेगा। कैसे रहेगा इसकी बात अपन ने बेटा कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड, इसका मतलब बेटा यहां से अपना आयोनिक स्टार्ट हो गया। अभी अपन ने जो 28 तक क्वेश्चन देखे वो अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के थे, जो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आपको बताए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम, जो अपने अप टू 60 क्वेश्चन तक रहेंगे। क्या बोल रहा है, अ मोनोप्रोटिक एसिड मतलब एक क्षारीय अम्ल, मतलब जो एक बार में एक एच प्लस ही देगा, मतलब सिंपल अपन बात करें जैसे मैंने बोल दी एच ए, उसके लिए कंसेंट्रेशन दे दी है अपन को 1 m, और हमको बोला है कितना परसेंट आयनाइज्ड होता है, 0.01%, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया 0.01%। समझ में आ रही है बात बेटा? तो अब इसके लिए अपन बात कर ले 0.01% है, परसेंट को अपन को सिंपल वैल्यू में बदलना है तो अपॉन 100 करना पड़ेगा, और यहां पे ऑलरेडी अपॉन 100 है तो ये आया, और फिर परसेंट को चेंज करना है तो एक और 100, तो 10^-4। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है। परसेंटेज को सिंपल करना था अपॉन 100, और पॉइंट हटाया, 2 0 और आ गए तो बेटा 10^-4 हो गए। देन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, तो बेटा यहां पे अपन वीक एसिड की बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि स्ट्रॉन्ग होता तो अल्फा 1 होता है ऑलमोस्ट, और वीक एसिड मोनोप्रोटिक एसिड हो तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हमें पता है क्या रिलेशन होता है, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, C आपका 1 है, अल्फा 10^-4 इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 10^-8। तो यहां से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा, इसकी सिंपल अपन ने वैल्यूज के अकॉर्डिंग बात कर ली है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलो, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड के इज द एसिड आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट, देन करेक्ट रिलेशनशिप इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। इसका मतलब अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं। अपन वैद्युत अपघट्य को दो श्रेणियों में बांटते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से करते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा ऑलमोस्ट 1 होता है, वहां पे 100% अपन आयोनाइजेशन मानते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, और जब वेरी वेरी लेस देन 1 होता है तब अपन के ए सी और अल्फा में रिलेशन देखें क्या आएगा, किसके लिए देख रहे हैं अपन, मोनोप्रोटिक एसिड के लिए देख रहे हैं, या मोनोप्रोटिक बेस कुछ भी हो सकता है, तो वहां से आपको पता होना चाहिए, अभी पीछे देखा था क्या आता है अपना, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, के अपॉन सी रूट में, तो यहां से देख लीजिए अल्फा इज इक्वल टू रूट के अपॉन सी, तो अल्फा इज इक्वल टू रूट के अपॉन सी, इसका मतलब आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, इसका डेरिवेशन अपन ने सिंपल देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द परसेंटेज आयनाइजेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब अपन ये मानते हैं कि उस टाइम जो भी अपने पास सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, वो पूर्ण रूप से वियोजित हो चुका होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन लास्ट आ चुका है, तो उस टाइम चाहे आपका स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों के लिए अपन 100% मान के चलते हैं। उस केस में अल्फा 1 मान लेंगे जब अपन को अनंत तनुता बोल दिया जाए, या अपन बोले इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दिया जाए। समझ में आ रही है बात बेटा? इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्या बोल रहा है। फॉर अ वीक एसिड एच ए, बेटा एच ए बोलने का मतलब फिक्स कर दिया है कि यहाँ पे मोनोप्रोटिक एसिड है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो बेटा आप पूरा देख लो इसका डेरिवेशन। मैंने बोला एच ए डिसोसिएट होगा, एच प्लस प्लस ए माइनस देगा आपको, स्टार्टिंग में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर मैंने सी मानी, उस टाइम ये 0 0, टी टाइम जब इक्विलिब्रियम आ गया मैंने माना सी माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या देखा था अपन ने, ए अल्फा, आज ए की जगह क्या है सी, तो क्या लिख देंगे सी अल्फा, 1 मोल के लिए सी अल्फा, तो यहां भी सी अल्फा, यहां भी सी अल्फा। अब अपन यहां पे के ए डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एसिड का है इसलिए ए लिखा, क्या आएगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जैसे अपन ने इनमें वैल्यूज पुट की तो हमने क्या देखा सी अल्फा
इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, तो यह आएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी कॉमन वन माइनस अल्फा, सी से सी कट गया तो यहाँ पे क्या आएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा के लिए डिपेंड करता है कि आपको अल्फा की क्या वैल्यू दे रहा है, यदि 5% से लेस जाते हैं अपन, ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं 5% से लेस है तो हम 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेते हैं, यदि 5% से ज्यादा है तो अपन को फिर कंसीडर करना पड़ेगा चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों ना है। तो यहां से अपना आया के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तरीका मैंने आपको बता दिया कि चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो 5% से ज्यादा है अल्फा, 5-10% से ज्यादा है तो आपको अल्फा कंसीडर करना पड़ेगा, 1 माइनस अल्फा 1 नहीं मानोगे, यदि आपको 5% से लेस दिया है तो आप 1 माइनस अल्फा को 1 मान लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, लेविस एसिड इज, तो बेटा एसिड बेस थ्योरी में अपन को पता है लेविस एसिड जो होता है वो एक्सेप्टर का काम करता है और लेविस बेस जो होता है वो डोनेटर का काम करता है, तो यहां पे अपन क्या बात कर रहे हैं देख लें, लेविस एसिड प्रेजेंस ऑफ एच एटम इज नेसेसरी, नहीं बेटा, इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, नहीं बेटा, ऑलवेज अ प्रोटोन डोनर, बेटा डोनर तो है नहीं एक्सेप्टर है, इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो यहां से अपन को पता लग गया इसका बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, कैसे करेक्ट होगा इसके लिए बेटा अपन ने सिंपल बात कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, फॉर टू एसिड्स ए एंड बी पीके दिस PKB दिस, बेटा PKA पता लग गया, PKB निकाल दिया हुआ है तो इसका PKA क्या आ जाएगा 14 में से माइनस कर लो, 14 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 11.2 आएगा क्या, देख लो देखें 12 और 2 14, सही बात है, तो मुझे ये पता लग गया PKA बड़ा है छोटा है PKB से, सॉरी PKA 1 लेस है PKA 2 से, इसका पीके ज्यादा है, दो एसिड की बात की। एक चीज याद रखना जब अपन एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो आपकी होती है हम उसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं H+ के, H+ क्या होता है C अल्फा, उसको सॉल्व करें तो रूट के अपॉन सी, सॉल्व करते हैं तो रूट के इंटू सी, ये के ए के प्रोपोर्शनल आ जाता है, प्रोपोर्शनल रूट के ए के आता है, अपन के ए मान के चल रहे हैं कंफ्यूज नहीं हो, और रूट के ए के प्रोपोर्शनल है तो अपन बोल रहे हैं के इंक्रीज होगा तो आपका पी के क्या होगा डिक्रीज होगा, तो पी के इनवर्स है, मतलब जिसका पी के कम है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसका पी के कम है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी, समझ में आ रही है बात, तो अपन क्या बोलते हैं जिसका के ज्यादा उसकी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका आपका पी के कम होगा, समझ में आ रही है बात बेटा, तो इसका पीके उसके कंपैरेटिवली कम है तो ये स्ट्रॉन्गर है बी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH2-, बेटा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के लिए याद रखिएगा, दोनों बता देता हूं मैं आपको, कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो हम क्या बोलते हैं एच प्लस रिमूव कर दो, तो एच प्लस रिमूव करोगे तो एक तो एच चला गया तो यहां पर क्या मिल गया एनएच, एक प्लस चला गया तो माइनस छोड़ के गया, एक माइनस पहले ही था तो क्या आएगा NH माइनस टू, तो यहाँ पे तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। मान लो कॉन्जुगेट एसिड भी पूछ लेता, कॉन्जुगेट एसिड का मतलब H प्लस एड करो, कॉन्जुगेट बेस का मतलब H प्लस रिमूव करो, माइनस लगाया, कॉन्जुगेट एसिड का मतलब H प्लस एड करो, H प्लस एड करोगे तो एक H और एड हो जाएगा और प्लस और माइनस जाके न्यूट्रल NH3 आएगा, तो कॉन्जुगेट एसिड पूछता तो NH3 और कॉन्जुगेट बेस पूछेगा तो NH माइनस टू, तो यहां पे आपका सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, कैसे होगा इसकी बात अपन ने कर ली है, समझ में आती है बात बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, फिर से द कंपाउंड दैट इज नॉट अ लेविस एसिड, जो लुईस अम्ल नहीं है, बेटा अभी आपको बताया लुईस अम्ल लेविस एसिड क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे जनरली जो कैटायन स्पीशीज होती है या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इस टाइप को अपन लुईस एसिड मानते हैं, और वहीं लुईस बेस क्या होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, जैसे जिनके पास लोन पेयर हो, जो नेगेटिव वाली स्पीशीज हो, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, उन सबको अपन लुईस बेस मानते हैं। तो ये पूछ रहे जो लुईस एसिड नहीं है, मतलब जो लुईस बेस है, मतलब जिसके पास लोन पेयर हो, जो नेगेटिव स्पीशीज हो, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो,
तो यहाँ पे अपन बात करें NH3 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक लोन पेयर रहेगा। BF3 देखोगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। BCl2 में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये लुईस एसिड है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये लुईस एसिड है। तो ये तीनों लुईस एसिड है, ये पूछ रहा नॉट ए लुईस एसिड NH3, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, डिसोसिएशन ऑफ S3PO4 टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग। बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब अपन ये तीन एसिड आपको पता होने चाहिए, एक तो S3PO4, एक आपका S3PO3 और एक आपका S3PO2। इसका एन फैक्टर बोलो या बेसिसिटी बोलो, एक ही बात है। इसका होता है 3, इसका होता है 2, इसका होता है 1। तो यहाँ पे पूछ रहा है S3PO4 मतलब इसकी बात कर रहा है, तो ये 3 स्टेप्स में होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हम क्या देखते हैं जल्दीबाजी में, 3H दिख गए तो कि भाई इसकी बेसिसिटी 3 है। नहीं बेटा, एक ही है। इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पता लगता है कि ये केवल एक ही H डोनेट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेडॉक्स में, आपके इक्विलिब्रियम में कहीं ना कहीं पूछ लेता है, और केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में तो आएगा ही आएगा, जो भी इनऑर्गेनिक के पार्ट होंगे। तो यहाँ पे ये तीनों का आपको ध्यान रखना है, S3PO4 में 3, S3PO3 में 2, S3PO2 में 1 होता है। वहीं पे रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में जरूरी नहीं है ये है, रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस होंगे, नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन शोज द बेसिसिटी ऑफ रिएक्शन। एक अभिक्रिया में प्रतिस्थापित होने वाले H+ उसकी क्षारकता को बताएंगे। और सिंपल डायरेक्ट इनके लिए पूछे तो एन फैक्टर क्या होगा, क्षारकता क्या होगी, वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे अपन को S3PO4 के लिए पूछा, तो कितने स्टेप में हो सकता है, 3 स्टेप में, एक बार एक H+, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये केवल 2 दे सकता है और ये केवल 1 देगा। तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, संयुग्मी अम्ल क्षार जोड़ा कौन सा है। तो बेटा याद रखिएगा, जब अपन को ऐसे युग्म दे रखे हो तो वो पेयर जिसमें ओनली 1H+ का डिफरेंस हो, केवल 1H+ का अंतर हो, तो उसे अपन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बोलते हैं। ओनली सिंगल H+, 1H+। तो यहाँ पे बेटा देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे ये भी नहीं है, इनके तो अलग अलग हो रहे हैं फॉर्मूला से, ये भी नहीं है। इधर देखो H2SO4 और HSO4-, बेटा इनमें देखो सिंगल H+ का डिफरेंस है। एक H+ निकाला तो ये मिला, मतलब जहां पे सिंगल H+ का डिफरेंस हो, एक H+ का अंतर हो, उसे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। समझ में आ गई बात बेटा, इसे शॉर्ट में अपन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर CABP के नाम से जानते हैं, आपने जगह जगह ये पढ़ा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, PKa ऑफ वीक एसिड इज डिफाइंड एज। बेटा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया है। PKa क्या होता है, माइनस लॉग के। बेटा लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो आगे आता है वो पावर जा सकता है, तो मैं क्या लिख दूं इसको, लॉग के की पावर -1। और याद रखिएगा, किसी की भी पावर, जैसे अपन ने बोला है लॉग m^n है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, n log m। आज उसी को रिवर्स किया है, जो आगे है उसको पावर बना दिया है। अब किसी की भी पावर -1 है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/KA। तो ये आएगा log 1/KA। तो log 1/KA, इसका मतलब 39 का आपका थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। कैसे होगा इसकी बात बेटा अपन ने कर ली है। तो बेटा क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी अपन को नहीं छोड़ने, उनकी कैलकुलेशन वगैरह कैसी है इस टाइप से दिए गए हैं, जिससे आप जब बड़े क्वेश्चन करो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 इज एडेड, 100 ml ऑफ 0.2 m NaOH, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी। बेटा याद रखिएगा, जब एसिड में बेस ऐड करते हैं तो वहां पे फॉर्मूला लगता है रिजल्टेंट कंसंट्रेशन के लिए, N1V1 -N2V2 / V1+V2 = N। इससे रिलेटेड अपने नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ भी है 2016-17 में, CH3COOH और HCl या HCl NaOH इस टाइप का। तो जब भी एसिड बेस ऐड कर रहे हैं तो N1V1 -N2V2 / V1+V2 = रिजल्टेंट N। अब बेटा ये आपका H+ भी हो सकता है, ये आपका OH- भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द डेटा। डेटा देखो कौन बड़ा है कौन छोटा। बेटा पहली बात तो यहाँ मोलरिटी दी, अपन नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं, याद रखिए यहाँ N फैक्टर 2 होता है
और NaOH के लिए N फैक्टर 1 होता है। और सिंपल आपको फॉर्मूला पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू N फैक्टर होता है। तो यहां पे मैं इसको चेक करूं तो यहां पे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 इंटू 2 इंटू 100, 0.18 गया तो ये आपका हो जाएगा 40 मिली इक्वलेंट। ML में बात कर रहे हैं मिली इक्वलेंट। यहां पे NaOH के लिए बात करें तो 100 इंटू 0.2 इंटू 1, तो यहां पे पॉइंट से ये गया तो ये आपका आएगा 20 मिली इक्वलेंट। तो एसिड तो है 40 मिली इक्वलेंट, बेस है 20 मिली इक्वलेंट, तो ये बात पक्की है एसिड बड़ा है तो रिजल्टेंट नेचर एसिडिक होगी, क्योंकि आपको पता है जो बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग नेचर आती है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे, इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आएगा एसिडिक। इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट रहेगा वो H प्लस रहेगा। कैसे रहेगा इसकी बात अपन ने कर ली है, कैसे रहेगा क्योंकि यहाँ पे एसिड बड़ा है तो यहाँ पे एसिडिक रहेगा। तो H प्लस रिजल्टेंट कंसेंट्रेशन भी पूछ सकता था, उससे आप pH की कैलकुलेशन भी कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, 10 ml ऑफ 0.1 या सिंपल 1 MH2SO4 विल कंप्लीट न्यूट्रलाइज। बेटा कंप्लीट न्यूट्रलाइज के लिए आपके इक्वलेंट इक्वल होने चाहिए, इक्वलेंट बोलो या ग्राम इक्वलेंट, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, या तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बोलो, या आप मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम बोलो, या आप मोल इंटू एन फैक्टर बोलो, या आप क्या बोल सकते हो, ग्राम वेट अपॉन इक्वलेंट वेट बोलो, ये सारे इनके फॉर्मूले हैं। यदि कंप्लीट न्यूट्रलाइज करना है तो इक्वलेंट इक्वल होने चाहिए, जो चार तरीके से निकाल सकते हैं देख लिया अपन ने। इसके लिए ग्राम इक्वलेंट देखें H2SO4 के कितने आ रहे हैं, वॉल्यूम 10 ml, मोलरिटी 1, एन फैक्टर इसका 2 है, किसका कंफ्यूज नहीं होना, ये एन फैक्टर जो अपन बात कर रहे हैं H2SO4 का बात कर रहे हैं 2, तो ये कितना आया 20 मिली इक्वलेंट। समझ में आई बात बेटा। अब अपन को NaOH के मिली इक्वलेंट देखना है, कहां 20 मिलेंगे, NaOH के लिए N फैक्टर 1 होता है तो यहां मिलेंगे, इसके इक्वलेंट देख लेते हैं तो 10 इंटू 2 N फैक्टर इसका 1 रहेगा इंटू 1, तो इसका क्या आया 20 मिली इक्वलेंट। तो 20 मिली इक्वलेंट से 20 मिली इक्वलेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइज होगा, तो यहां पे आपका इसका सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। कैसे होगा इसकी बात अपन ने कर ली है, किस तरीके से चेक करना है। ग्राम इक्वलेंट को निकालने के 4 फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा यूज करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डाइप्रोटिक, द्विक्षारीय, मतलब दो H प्लस दे दे, तो ये 1 वाला है, ये 1 वाला है, ये 1 वाला। देखो कंफ्यूज नहीं होना, अभी पीछे बात करके आए थे, H3PO4 में 3 होता है, H3PO3 में 2 होता है और H3PO2 में 1 होता है, तो ये मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक केवल ये है। समझ में आ गई बात बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, द पीएच इज लेस देन 5, बेटा याद रखना लेस देन 5 किसके, सॉरी लेस देन 7, सॉरी पीएच लेस देन 7 किसके लिए होगा, एसिड के लिए, ग्रेटर देन 7 बेस के लिए, और एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अपन लेस देन 7 की बात कर रहे हैं, मतलब जो एसिडिक हो, अब एसिडिक हो तो मतलब उसमें एसिड स्ट्रांग हो, यदि सॉल्ट की बात करें तो बेस वीक हो। यहां पे बेटा आप देखो FeCl3, तो यहां पे आप देखोगे स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसकी तो पीएच ग्रेटर देन 7 कैंसिल। ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब इसकी तो पीएच 7 रहेगी, तो ये भी आंसर नहीं है। इधर देखो वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग कौन है बेस, तो पीएच 7 से ज्यादा होनी चाहिए, ये भी रॉन्ग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच 7 से लेस रहेगी। हम जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड 7 स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं और 5 स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं। 5 स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, KOH, RBOH, CSOH, BaOH ट्वाइस। अब आप ये नहीं बोलोगे सर ऑर्गेनिक में ये इधर ही है, बेटा अपन इधर अपने जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस वाले में थ्योरी में बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो हमने देख लिया एसिड बेस में कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे सिंपल बात की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बेटा याद रखिएगा नीट का पसंदीदा टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं करें, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं।
आपको बोल रहा है इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट MX2 इज दिस वन। बेटा MX2 के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, ये AB2 टाइप का आपका सब्सटेंस है और इसके लिए केएसपी का रिलेशन जो होता है केएसपी इज इक्वल टू 4S³ आता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो और MX2 मतलब AB2 टाइप है तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए क्या होगा आपका इसका सिंपल केएसपी 4S³ के इक्वल आएगा, जहां पे S सॉल्युबिलिटी को बताएगा। यहाँ पे केएसपी अपन को दिया है 1 × 10⁻¹⁻ और अपन को सॉल्युबिलिटी निकालना है मोल पर लीटर में। सॉल्युबिलिटी आपकी एक टाइप की कंसंट्रेशन ही होती है जिसकी यूनिट मोल पर लीटर, तो यहाँ से आपका S³ क्या आएगा 1/4 × 10⁻¹⁻ मतलब मैं बोलूं 0.25 × 10⁻¹⁻ या अपन और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो कैसे किस तरीके से बात कर रहे हैं 2.5 × 10⁻¹⁻ ये आपका S³ आ गया। तो S लेना है तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, जो सॉल्व करोगे तो आपका अराउंड 1.35 × 10⁻¹⁴ होगा। कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है, समझ में आ रही है बात बेटा। तो सिंपल आपको इसका फंडा पता लग गया कि किस तरीके से अपन इसमें बेटा आगे बात कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45 मोहर सॉल्ट इज, बेटा मोहर सॉल्ट अपना जो होता है भाई अपने सॉल्ट के टाइप्स में देखोगे वहां पे आपको पता लगेगा। तो मोहर सॉल्ट को अपन जो बात करते हैं बेटा डबल सॉल्ट में बात करते हैं, इसका फॉर्मूला FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4.6H2O बात कर रहे होते हैं, तो डबल सॉल्ट द्विक लवण का एग्जाम्पल है, ये आप डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको विच इज इन एन एसिडिक सॉल्ट। बेटा एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसमें रिप्लेसेबल H+ अवेलेबल हो, जिसमें प्रतिस्थापन योग्य H+ अवेलेबल हो। यहाँ पे फिर वही फंडा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि H3PO4 के लिए अपन बात करें तो यहाँ पे N फैक्टर 3 होता है, H3PO3 के लिए बात करें N फैक्टर 2 होता है और H3PO2 के लिए बात करें N फैक्टर 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो NaH2PO2, H2PO2 का मतलब एक ही दे सकता था, एक दे चुका है, तो अब ये दोनों H रिप्लेसेबल नहीं है तो ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है। HPO3, PO3 वाले में 2 H दे सकता था, 2 दे चुका, ये वाला H नहीं दे सकता तो ये भी एसिडिक सॉल्ट नहीं है। HPO4, PO4 वाले में 3 H दे सकता है, 2 ही दिए हैं, एक और बाकी है, मतलब ये दिया जा सकता है, रिप्लेस हो सकता है, तो ये आपका एसिडिक सॉल्ट होगा, जबकि यहाँ पे कोई H ही नहीं है तो बात खत्म। तो H देखते ही राजी नहीं होना, आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिप्लेसेबल है या नहीं है, उसमें भी मेनली ये 3 केस में अपन को अटकाता है, ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका सिंपल 3rd ऑप्शन आंसर होगा, कैसे होगा इसकी बात बेटा मैंने आपको बता दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 विच पेयर विल शो कॉमन आयन इफेक्ट। बेटा इंपॉर्टेंट है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी, ओस्टवाल्ड के तनुता सिद्धांत में आपने पढ़ा है सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलते हैं, जब अपन किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई कॉमन आयन वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एड कर देते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अल्फा डिक्रीज हो जाता है। क्या बोलते हैं हम, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में अपन सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, वियोजन की मात्रा डिक्रीज हो जाती है, अल्फा कम हो जाता है। कॉमन आयन में अपन क्या बोलते हैं, एक आयन कॉमन हो, तो एक आयन कॉमन हो और साथ में अपन क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक का अपने पास में पेयर हो, तो यहाँ पे अपन देखें ये तो बेटा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाले हैं कैंसिल, ये स्पेरिंगली है, स्पेरिंगली सॉल्युबल को अपन बात नहीं कर सकते, ये आपके दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, इनको भी हटाओ, तो आपका बेटा देखो यही रहा, ये वीक हो गया, वीक बेस, और ये साथ में स्ट्रॉन्ग वाला अपना सॉल्ट आ गया और यहाँ पे एक आयन आपका कॉमन भी है, तो आपका 3rd ऑप्शन इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा इसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया और कॉमन आयन इफेक्ट के कारण रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, ये आपको अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4, BaSO4 की बात कर रहा है इज दिस वन। बेटा यहाँ पे यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। यूनिट मैंने अभी भी बताई, सॉल्युबिलिटी एक टाइप की कंसंट्रेशन है, एक टाइप की मोलरिटी है जिसकी यूनिट मोल पर लीटर में होती है, ये पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर में, ये आपको बेटा पता होना। तो यहां से इसका मतलब ग्राम पर लीटर दिया है, इसको मोल पर लीटर में अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो सॉल्युबिलिटी अपन को दी है S 2.33 × 10⁻³⁾ ग्राम पर लीटर में है,
मुझे इसे मोल पर लीटर में चेंज करना है, तो बेटा ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड लगा दूं तो मोल बन जाएगा, और BaSO4 का मोलर मास दे दिया है 233। तो अब बेटा ये जो आया है ये है अपना मोल पर लीटर, इसको अपन काम में ले सकते हैं। समझ में आई बात बेटा? और BaSO4 की बात करूं तो बेटा BaSO4 जो है आपका वो AB टाइप का सॉल्ट है, और AB टाइप के सॉल्ट के लिए अपन क्या रिलेशन लिखते हैं, अपन लिखते हैं KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। S आपको बेटा जी पता लग गया, यहां से आप सॉल्व करो तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा बेटा, ये 100 टाइम्स जाएगा, 100 ऊपर आ गया तो ये कितना है 10^-5 मोल पर लीटर है। तो यहां से KSP S स्क्वायर के इक्वल हुआ, KSP को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 10^-5 का स्क्वायर, और सॉल्व करोगे तो 10^-10। तो यहां से आपका 10^-10, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या तरीका है, ग्राम पर लीटर, यूनिट्स का ध्यान रखें, मोल पर लीटर होता है सॉल्युबिलिटी, विलेयता एक टाइप की सांद्रता ही है, और सांद्रता को अपन मोलरता की टर्म्स में बात करते हैं, जिसका मात्रक आपका मोल प्रति लीटर होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा मात्रक का इनका स्पेशली ध्यान रखें, इनसे रिलेटेड कोई गलती करोगे तो बेटा आपका आंसर प्रॉपर नहीं आएगा। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 49, अगेन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.2 NaCl सॉल्यूशन इज। तो बेटा पहले मेरे को AgCl के लिए KSP दे रखा है, तो AgCl के लिए KSP क्या होगा, उसके आयंस की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट ही तो होता है, तो ये होगा। अब मैंने इसमें NaCl ऐड कर दिया तो KSP तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है, टेम्परेचर से इफेक्टेड होगा केवल KSP, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर तो सेम है तो KSP तो बेटा सेम रहने वाला है, पहले KSP इतना था बाद में भी KSP इतना रहेगा, लेकिन इसमें जब अपने 0.2 NaCl ऐड कर दिया तो बेटा 0.2 NaCl ऐड किया है तो Ag+ की सॉल्युबिलिटी तो वही रहेगी, मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने मान ली S, अपन मान सकते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने मान ली S, और इसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या थी S थी, समझना, तो ये दोनों की S S हो गई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे ही मैंने इसमें 0.2 NaCl ऐड किया तो ये तो ऐसी रहेगी, ये बेटा क्या हो जाएगी S प्लस 0.2, क्योंकि ये 0.2 Cl यहां से भी आ रहा है। अरे समझ में आ गई क्या बात, पहले थी SS, बाद में 0.2 NaCl ऐड किया तो इस पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसी रहेगी, यहाँ पे 0.2 और जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब थोड़ा सा सॉल्व किया तो क्या आएगा S स्क्वायर प्लस 0.2 S। आपको पता है सॉल्युबिलिटी वैसे ही बहुत छोटी है तो उसकी हायर पावर्स, उसकी उच्च घाते और भी छोटी होगी, समझ में आ रही है बात, भाई विलेयता S का मान पहले ही बहुत कम है और स्पेरिंगली सॉल्युबल बात कर रहे हैं हम, अल्प विलेय विद्युत अपघट्य, तो जब उसकी उच्च घाते देखेंगे तो वो और भी कम हो जाएगी, तो उन्हें अपन नगण्य मान लेते हैं, इसको अपन लगभग 0 नगण्य मान लेते हैं, और KSP की वैल्यू अपन को दे रखी है जो कॉन्स्टेंट रहेगी, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो ये भी चेंज नहीं होगी, ये अपन को इतना मिला। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, हमने बोला 1.2 × 10^-10 इज इक्वल टू, उच्च घातों को नगण्य मान लिया, हायर पावर्स को नेग्लिजिबल कर दिया 0.2s। तो यहां से अपन बात करें पॉइंट से पॉइंट चला गया तो आपका s क्या आ जाएगा बेटा 6 × 10^-10। तो 0.2 NaCl ऐड करने के बाद में जो AgCl की नई सॉल्युबिलिटी रहेगी 6 × 10^-10 रहेगी, जिसकी अभी अपन ने बात की, तो यहां से आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे होगा इसकी बात अपन ने कर ली है, तो किस तरीके से जब दूसरा सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो सॉल्युबिलिटी के सब वेरिएंट के क्वेश्चन में करा रहा हूं, थोड़ा सा आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए नहीं तो बेटा दिक्कत आएगी। अब आपको पूछा है कि KSP और S में रिलेशन कोई भी सॉल्ट दे दे तो कैसे निकालें, तो इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं बेटा, फिर अपन कंपेयर कर लेंगे। मान लो आपको दे दिया AxBy, अपन को डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं करना, इसके लिए KSP लिखना है और सॉल्युबिलिटी S है, तो तरीका ध्यान रखो क्या करो, जितने आपको जो भी आयन दिए हैं जितने दिए हैं उनकी पावर वही लगा लो, आपको AX दिए थे तो X की पावर X, BY दिए थे तो Y की पावर Y इंटू सॉल्युबिलिटी S, और जितने टोटल हैं उनको ऐड कर दो X प्लस Y। इस तरीके से अपन इसका डायरेक्ट रिलेशन याद रखेंगे, चाहे तो अपन डेरिवेशन कर सकते हैं लेकिन वहां पे अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि डेरिवेशन करना है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जितने आयन A हैं उनकी पावर वही, जितने आयन B हैं
y है तो y की पावर y, सॉल्युबिलिटी s है, जितने हैं दोनों x प्लस y, मान लो और होते m a2 a x b y c z भी आ जाता तो z की पावर z भी आ जाता और इधर z ऐड हो जाता। इसको इससे कंपेयर करते हैं, मैंने बोला m2 x3, तब x की जगह 2 y की जगह 3, सिंपल क्या करना है, जो दे रखा है 2 की पावर 2 3 की पावर 3 s की पावर 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू के एस पी। बोलो सही बात, 2 की पावर 2 4, ये पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो 4 इंटू 3 की पावर 3 9 नहीं है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू s 5 इज इक्वल टू के एस पी। और इसको सॉल्व करोगे तो 108 आएगा, सिंपल आप क्या बोलोगे के एस पी इज इक्वल टू 108 s 5। तो अपने पास में किसी भी प्रकार का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आ जाए अपन डायरेक्ट ट्रिक से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इधर इसका आंसर रहेगा 108 s 5। यहाँ पे s सॉल्युबिलिटी को y से बता रखा है, y से बता रखा है तो अपन इसको ये बोलो या s y के लिए बोला है तो ये आ जाएगा। समझ में आ रही है बात बेटा, नोटेशंस में कंफ्यूज नहीं होना, वो अपन कुछ भी मान सकते हैं। किस तरीके से करना है इसका लॉजिक मैंने आपको बताया, बिना डेरिवेशन करने के लिए अपनी छोटी सी ट्रिक जो आपको ध्यान रखनी है। अब आप बोलोगे सर डेरिवेशन कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है बेटा, अपन को जल्दी भी क्वेश्चन करना है सही भी क्वेश्चन करना है तभी अपन अच्छे से रैंक ला पाएंगे। समझ में आ रही है ना बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, यूनिट्स का ध्यान रखें, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पीएच दिस। बेटा आपको ये पता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन होती है, बोलो सही बात है क्या। तो आज आपको पीएच दे दी 5.4 और पीएच से एच प्लस निकालना है इसका मतलब एंटी लॉग लेना है, तो या तो आप डायरेक्ट बोल दो कि पीएच 5.4 है तो एच प्लस निकालने के लिए मुझे एंटी लॉग लेना है, या अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहां से क्या आएगा आपका, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये 10 टू द पावर में जाएगा, तो अपन ने क्या बोला लॉग एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस पीएच, सही बात है, ये बेस 10 है तो आप क्या बोलोगे एच प्लस इज इक्वल टू 10 रेस टू पावर माइनस पीएच, तो 10 रेस टू पावर माइनस 5.4। समझ में आ गई बात बेटा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसका मतलब अपन को एंटी लॉग लेना है। समझ में आ गई बात बेटा, इसका मतलब अपन को क्या लेना है एंटी लॉग लेना है, और एंटी लॉग के लिए क्या तरीका है वो देख लीजिएगा। तो सिंपल अपन को पता लग गया कि सर इसका अपन को एंटी लॉग सॉल्व करना है, यही बात है, या तो ये बोलो या आप क्या बोल दो एच प्लस इज इक्वल टू क्या होगा एंटी लॉग माइनस 5.4, दोनों बेटा एक ही बात है, ये एक्सप्रेशन बोलो या ये एक्सप्रेशन बोलो। इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा मैं तरीका बोल रहा हूँ, पॉइंट के पहले जो है उसको ए मान लो और पॉइंट के बाद में जो है बी सी डी ई ऐसे मान लो, ये एंटी लॉग नेगेटिव को सॉल्व करना बता रहा हूँ, जब अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपन थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, पहले एक बार पूरा तरीका देख लीजिए। अपन क्या करते हैं एंटी लॉग 1 माइनस पॉइंट बी, यदि नेगेटिव में एंटी लॉग तब इनटू 10 रेस टू पावर माइनस ए प्लस 1, सॉल्व किया एंटी लॉग 1 माइनस पॉइंट बी तो 1 माइनस पॉइंट 4 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस ए प्लस 1, इसको सॉल्व किया ये तो 10 रेस टू पावर माइनस 6 आ गया, इसको सॉल्व किया तो एंटी लॉग 0.6। अब इसको कैसे सॉल्व करें बेटा, आपको ये पता है लॉग को एंटी लॉग कट करेगा, तो 0.6 किस लॉग की वैल्यू है 4 की वैल्यू है, तो आपने बोला एंटी लॉग लॉग 4 की वैल्यू आपका 0.6 होती है इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 6 चल रहा है, लॉग से एंटी लॉग गया तो आपको क्या मिल गया 4 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 6, तो 4 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 6 आपका ये वाला ऑप्शन अराउंड फोर आ गया। अब आप बोलो सर इतना बड़ा नहीं करना, तो देख लो इधर का देख लो, सिंपल जब भी नेगेटिव में इस तरीके से है तो आप क्या करो इसको अलग करके लिख दो, पॉइंट के पहले वाले को एक इंक्रीज कर दो, सही बात है, पॉइंट के पहले वाले को एक इंक्रीज कर दिया, पॉइंट के बाद वाले को वन में से माइनस करो, पॉइंट फोर को वन में से माइनस किया 0.6, और अब 10 की पावर 0.6 या एंटी लॉग 0.6 तो किस लॉग की वैल्यू होती है 4 की, लॉग से एंटी लॉग चला गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस, तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, प्रैक्टिस इससे करें जिससे फिर बाद में इस स्टेप को लेने में आपको दिक्कत नहीं आए। समझ में आ गई बात बेटा, तो ये अपना सिंपल पीएच से एच प्लस निकालना था, किस तरीके से निकालेंगे ये आपको मैंने बता दिया। आप ये नहीं बोलोगे सर हमारे
क्वेश्चन में एंटी लॉग लॉग नहीं आता भाई, वहां पे वो रिवर्स करने के लिए बोल देगा तो क्या करोगे, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अपन को हर टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। कैसे हो रहा है इसका लॉजिक मैंने आपको समझाया। तो यहां से अपना इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 5, देन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो बेटा अपन को जब भी टेम्परेचर नहीं बताया, अपन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड बात कर रहे हैं, आपको ये पता है पीएच आपका 5 है और 25 डिग्री सेल्सियस पे अपन बात करें तो ये फिक्स होता है कि पीएच प्लस पीओएच आपका 14 होगा। तो ये है, तो आपका पीओएच कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5 9 आए, और पीओएच इतना है तो अभी आपको एंटीलॉग वगैरह लेना सिखाया था तो ओएच माइनस कितना आएगा, 10^-9। अब इसके लिए आप पूरी कैलकुलेशन नहीं करोगे, जैसे मैंने पीएच 5 बोल दिया तो एच प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना होता, इनका आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 10^-5। तो यहां से हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, मतलब OH- आयन की सांद्रता पूछी है, वो कितनी आ जाएगी, 10^-9, 10^-9। कैसे होगा सॉल्व, सिंपल इसका तरीका बेटा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, द पीएच वैल्यू ऑफ 1 × 10^-8 एम HCl सॉल्यूशन इज लेस देन 8 बिकॉज। आप बोलोगे इसकी कंसंट्रेशन अपन को 10^-8 दी है, अल्फा HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके लिए अल्फा 1 होगा, तो यहां से अपन को सिंपल बोल सकते हैं कि सर पीएच तो 8 आनी चाहिए, बट वो पीएच हमने रॉन्ग बताई क्योंकि एसिड की पीएच 7 से कम होती है, 7 और 7 से ज्यादा आ रही है, रॉन्ग है। ऐसे ही बेस की पीएच 7 से ज्यादा होती, 7 या 7 से कम आ रही है तो रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो वॉटर में अपन ने एक्वस सॉल्यूशन बनाया इसको मिला के, वहां प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, HCl is completely ionized at this concentration, नहीं बेटा गलत बात है। Ionization of water is negligible, नहीं ये गलत बात है। Ionization of water cannot be assumed to be negligible in comparison with this low concentration. तो वही बोला मैंने आपको, प्रॉपर मिक्सिंग माननी पड़ेगी, वॉटर की कंसेंट्रेशन को यहाँ पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो जब इंक्लूड करोगे तब जाके यहाँ पे पीएच 7 से लेस आएगी। तो ये आपका इसका ऑप्शन सही है जिसकी अभी अपन ने बात की कि इसका लॉजिक क्या बता रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। द पीएच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एज सच, नहीं बेटा, तो यहाँ पे वाटर का केस आएगा और ये पता होना चाहिए एसिड की पीएच यहाँ पे 8 आ रही है वो रॉन्ग है, क्योंकि एसिड की पीएच 7 से कम है तब तक ठीक है, 7 या 7 से ज्यादा आएगी तो रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन भी कैसे होगा अभी अपन देखेंगे, आगे एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन 54 उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, मैंने क्या बोला एसिड की पीएच 7 से कम होनी चाहिए, 7 या 7 से ज्यादा नहीं होगी, बेस की पीएच 7 से ज्यादा होनी चाहिए, 7 या 7 से कम नहीं होगी। यदि ऐसा हो जाए तो हम उसमें वाटर के केस को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, वाटर को इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो कैसे, NaOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अल्फा 1 होता है, तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ से मैं OH- आयन की कंसंट्रेशन देखूंगा, वो अपन को दे दी कितनी, सी अल्फा, सी अल्फा का मतलब अल्फा 1 है तो 10^-7, तो यहां से पीओएच आपकी कितनी आ जाएगी 7। अब पीओएच 7 है तो पीएच भी आपकी 7 रहेगी क्योंकि दोनों का एडिशन 14 होता है, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच आपकी 14 होगी 25 डिग्री सेल्सियस, जब तक टेम्परेचर नहीं दे अपन ये मान के चलते। अब अपन को पता है पीएच बेस की 7 आ रही है तो रॉन्ग है, क्योंकि बेस की पीएच 7 से ज्यादा आनी चाहिए, चाहे 0.01 ही ज्यादा है, हम क्या करें, इसका मतलब वाटर के केस को हमको लेना पड़ेगा। तो हमने ये बात की प्रॉपर मिक्सिंग करते तो टोटल OH- आयन क्या होता, देखो बेटा पूरा डेरिवेशन समझा रहा हूं इसका देख लीजिए। तो टोटल OH- क्या होता, एक तो होता फ्रॉम NaOH से जो आएगा, दूसरा आएगा फ्रॉम वाटर, समझ में आ रही है बात बेटा। वाटर के लिए आपको पता होना चाहिए H+ और OH- दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल 10^-7 होती है प्योर वाटर के लिए, यहाँ अपन प्योर को कंसीडर करके चल रहे हैं, ये अपन को 10^-7 दिया है फ्रॉम H2O, तो H2O से क्या आएगा OH-, तो यहाँ से 10^-7। अब बेटा कई लोग जल्दी जल्दी में इसे क्या करते हैं 10^-14, अरे रॉन्ग है, पावर्स एड नहीं होती है, वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में होती है, यहाँ पे बेस के अकॉर्डिंग अपन को कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इस चीज का आपको याद रखना है किस तरीके से अपन ने बात की। इसको सॉल्व करें, 10^-7 कॉमन लिया, 1+1 आया, तो यहाँ से टोटल OH- आयन कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 2 × 10^-7, जिसकी अपन ने बात की है। अब आप POH निकालो,
POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, मतलब माइनस लॉग 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 7। यहां से अपन ने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। ओपन किया, माइनस लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरीके से आया, ये माइनस 7 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 7 माइनस लॉग 2। और लॉग 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है 0.3010। समझ में आ रही है बात? तो 0.3 भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, 0.30 मान लो तो ये आएगा 6.7। पीओएच इतना है तो पीएच क्या आएगा 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस 6.7 तो आपका आएगा 7.3। तो यहाँ पे अब देखिए बेस की पीएच 7 से ज्यादा आ गई है, इसका मतलब करेक्ट है। तो यहाँ पे अपन को वाटर का केस इंक्लूड करना था, कैसे, इसका पूरा डेरिवेशन मैंने बता दिया। अब जब भी किसी भी एसिड की पीएच 7 या 7 से ज्यादा आ जाए या बेस की पीएच 7 या 7 से कम आ जाए, इसी तरीके से आपको एक्यूरेट निकालना होगा। ये बहुत लो कंसंट्रेशन के टर्म्स में अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब इसकी पीएच 7 और 8 के बीच में रहेगी। कैसे रहेगी इसकी बात अपन ने कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, अ बफर सॉल्यूशन हैज इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 एम NH4OH एंड 0.02 एम NH4Cl, देन PKB ऑफ बेस इज 5, देन pH। बेटा पहली बात तो यहां पे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, बेस वीक है, इसका मतलब यहां पे अपन बात कर रहे हैं बेसिक बफर की, और बेसिक बफर के लिए पहले लिख लेगी POH। क्या फॉर्मूला होगा? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, कॉन्जुगेट की टर्म में भी बात कर सकते हैं, यहां पे डायरेक्ट दे दिया तो सॉल्ट आपका रहेगा NH4Cl, बेस रहेगा NH4OH, वैल्यूज रख दो। PKB डायरेक्ट दिया है आपको 5 log सॉल्ट, सॉल्ट NH4Cl कितना दिया है 0.02 और बेस दिया है आपको 0.2। इक्वल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो अपना अच्छा बफर बनता है, आपको पता होना चाहिए। यहां से अपन इसकी कैलकुलेशन की तो ये 1/10 आएगा, 1/10 के लिए अपन बात करें तो 5 log 1/10 को ऊपर ले गए तो अपन क्या बोल देंगे log 10 इनवर्स, ये आगे आ जाएगा और आपको पता होना चाहिए log 10 आपका 1 होता है, तो यहां से ये आगे आएगा, log 10 आपका 1 हो जाएगा तो 5 माइनस 1 ये आपका 4 आएगा, तो यहां से POH आपका 4 आ गया तो pH क्या आएगा 14 माइनस POH, 14 माइनस 4 ये आपका रहेगा 10। तो यहां से आपका pH 10, इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर रहेगा। किस तरीके से रहेगा इसकी अपन ने बेटा सिंपल बात कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बफर। बेटा बफर में याद रखना मेनली दो टाइप के बफर बात करते हैं, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक बफर क्या होता है, जिसमें वीक एसिड हो साथ में उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट हो, और बेसिक बफर में वीक बेस हो साथ में उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में सॉल्ट हो। तो यहां पे बफर की बात कर रहा है, देखो ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, गलत बात है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, गलत बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, गलत है। वीक बेस और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, मतलब ये आपका बेसिक बफर को बता रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बफर में चाहे एसिडिक हो या बेसिक, वीक पार्ट आएगा और वो वीक पार्ट दूसरे स्ट्रॉन्ग पार्ट के साथ सॉल्ट में मिक्सचर में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द पीएच ऑफ BaOH ट्वाइस इफ नॉर्मलिटी इज 10 टू पावर माइनस 4। तो बेटा आपको इसमें क्वेश्चन का लॉजिक पता होना चाहिए। बेटा ये पहली बात तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपका अल्फा 1 होता है। हम यदि यहां पे बात करें तो बेस है तो पहले POH लिख लेगा, POH के लिए बात करेंगे तो पहले OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, क्या होता है माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। समझ में आ रही है बात बेटा? यहां पे देखिएगा दो OH है, BaOH ट्वाइस को ब्रेक करोगे, ये डाई एसिडिक बेस है ध्यान रखिएगा, तो Ba प्लस 2 प्लस 2 OH माइनस, दो बेस है तो यहाँ पे जो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन रहेगी वो 2C अल्फा, मिस्टेक नहीं करें 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 2 यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एसिडिटी की,
तो यहाँ पे 2 × C क्या होता है, कंसंट्रेशन, जो मोलरिटी की बात करते हैं, सी होता है कंसंट्रेशन मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर। डायरेक्ट आप नॉर्मलिटी लेते तो 2 नहीं लेना पड़ता, बट मैं आपको कंप्लीट एक ही फॉर्मूले के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि अपन ने हर जगह सी को मोलरिटी मान रखी। अब अपन को पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ये अपन को दिया 10⁻⁴। BaOH ट्वाइस के लिए एन फैक्टर 2 होगा, तो यहाँ से अपन ने क्या बोला 10⁻⁴ अपॉन 2। अल्फा स्ट्रॉन्ग बेस है तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो यहाँ से OH माइनस आपके पास आएगा 10⁻⁴। अब OH माइनस आपको मिल गया है तो आपने बोल दिया 10⁻⁴, ये आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और लॉग 10 आपको पता है 1 होता है, तो POH यहाँ से 4, POH 4 है तो pH क्या आएगा 14 − 4 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए हमसे pH पूछी है 10, तो इसका अपना 57 का सेकंड ऑप्शन आंसर रहेगा। कैसे रहेगा इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, समझ में आती है बात। जरूरी नहीं आप मोलरिटी नॉर्मलिटी लेते तो ये 2 नहीं आता, लेकिन अपन हर जगह सी को मोलरिटी बता के चल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया। बेस है, बेस की पीएच 7 से ज्यादा आ रही है, सही है, 7 या 7 से कम आ जाती है तो मामला गड़बड़ हो जाता, जो अपन ने पीछे देखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN। बेटा HCN आपको पता होना चाहिए वीक एसिड है, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये Ka है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग HCN एंड KCN, मतलब वीक एसिड और साथ में उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, इसका मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एसिडिक बफर की, और एसिडिक बफर के केस में पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखिएगा पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। समझ में आती है बात बेटा, टोटल वॉल्यूम 0.5 तो दोनों का सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। के दे रखा है, पीकेए निकालना है, तो ध्यान रखिएगा पीकेए इज इक्वल टू माइनस लॉग के आएगा, तो यहां से माइनस लॉग 5 × 10⁻¹⁰, ठीक है बेटा जी। तो यहां से अपन ने बात की, इसको ब्रेक किया तो माइनस लॉग 5 माइनस लॉग 10⁻¹⁰, इसको आगे लाए माइनस माइनस प्लस, तो 10 माइनस लॉग 5, लॉग 5 बेटा अराउंड 0.7 होता है, तो 10 माइनस 0.7 सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा 9.3। तो pKa आपका पता लग गया। यहां से अपन आगे बात करें pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये बात कर रहा है, तो pH निकालना है, pKa 9.3 आ गया प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड। बेटा इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो केवल मोल्स लेने हैं, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होती है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट होगा, सिंपल मोल ले ले। सॉल्ट के मोल कितने दिए हैं 0.15 अपॉन एसिड, वीक एसिड के मोल दिए 1.5। कैलकुलेशन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है किस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेशन से रिलेटेड मिस्टेक नहीं करनी है। बेटा इसको देखोगे 10 टाइम्स कट होगी तो 1/10 वही ऊपर जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे 9.3 प्लस लॉग 10 माइनस 1, ये आगे आएगा, लॉग 10 1 होता है, तो इसको जैसे ही माइनस करोगे तो ये अराउंड 8.3, मतलब इसका आपका बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। कैसे करेक्ट होगा इसकी बात अपन ने कर ली है, बफर वगैरह मैंने आपको बताया, बफर की आइडेंटिटी कैसे करनी है ये चीज आपको बेटा थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ टू एसिड Ha1 एंड Ha2 आर दिस, देन रिलेटिव स्ट्रेंथ। बेटा छोटा सा फॉर्मूला है बट इंपॉर्टेंट है, जब भी अपन रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमने बोला H+1 H+2 दोनों एसिड की बात की, C α1 C α2 यहाँ पे अपन ने बोल दिया C α1 C α2, इससे कट गया, अल्फा क्या होता है रूट के अपॉन सी, तो अपन ने बोला K1 अपॉन सी, इसको देखा K2 अपॉन सी, सी से सी गया, क्या रिलेशन आएगा K1 अपॉन K2, समझ में आती है बात बेटा। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब Ka ही होता है, दोनों के लिए अपन को दे दिया है, सिंपल वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू सिंपल पुट करेंगे तो क्या आएगा 3.1 × 10⁻⁴ अपॉन 1.96 × 10⁻⁵।
कैंसिल आउट वगैरह कैसे हो रहा है ये थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। इसको देखोगे तो ये अराउंड 1.6 टाइम्स होगा, ये ऊपर जाएगा तो अराउंड ये 16 का रूट आएगा, जिसको सॉल्व करोगे 4 आएगा। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है H+1/H+2 ये 4:1, मतलब आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशंस वैल्यूज पुट करनी थी जो अपन ने यहाँ पे करके देखे। तो छोटा सा फॉर्मूला लेकिन इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ H+1/H+2 बोले α1/α2 या √K1/√K2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, अ प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2 KSP दे रखा है विल बी ऑब्टेंड व्हेन इक्वल ऑफ फॉलोइंग मिक्स्ड। बेटा प्रेसिपिटेट मिलान चाहिए हमको, तो याद रखिएगा जब आपका KIP ग्रेटर देन होगा KSP से, उस केस में अपन बोलेंगे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। समझ में आ रही है बात बेटा? अब यहां पे आप बोलोगे सर KIP KSP में क्या रिलेशन है? KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इट्स आयन एट सैचुरेशन कंडीशन। समझ में आ रही है बात बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयंस की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट, जबकि KIP वो भी आयंस की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट है बट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नहीं है। ये संतृप्त विलयन में होता है, ये संतृप्त विलयन में नहीं होता, किसी भी स्थिति में हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। निकालने का तरीका वही होगा। अब बेटा यहां पे पहली बात तो इक्वल वॉल्यूम ऐड किया, व्हेन विल बी ऑब्टेंड व्हेन इक्वल टू द फॉलोइंग आर मिक्स्ड, मतलब इक्वल वॉल्यूम को मिक्स्ड किया है यहां पे, याद रखिएगा समान आयतन मिला है, इक्वल वॉल्यूम आएगा, इक्वल वॉल्यूम आर मिक्स्ड। तो बेटा इक्वल वॉल्यूम मिक्स्ड किया है तो वॉल्यूम इक्वल है तो सांद्रता आधी हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम डबल हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम रिवर्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से KIP में निकालना चाहूं तो KIP क्या आएगा, Ca+2 की कंसंट्रेशन F- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है F2, और ये हाफ हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है तो डबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन हाफ हो रही है। अब अपन को यहाँ पे एक एक की वैल्यू रख के देखनी है और देखना है किसके लिए KIP KSP से ग्रेटर आएगा वहां पे प्रेसिपिटेट बनेगा। यदि KIP और KSP इक्वल होता है तो सैचुरेशन कंडीशन होती है, यदि KSP ग्रेटर देन KIP होता है तो अपन बोलते हैं कि और सैचुरेट हो सकता है, अभी नॉन सैचुरेटेड है। समझ में आ गई बात बेटा? इसे हाइपर सैचुरेटेड बोलते हैं, मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा, सॉल्युबिलिटी खत्म हो चुकी है, ये खुद की मोस्ट ऑफ दी सॉल्युबिलिटी केस में पहुंच चुका है। अब यहाँ पे एक एक ऑप्शन रखो, आपने यहाँ पे रखा 10^-4 और 10^-4, तो -4 का स्क्वायर 10^-8 और -4 कितना होगा 10^-12, ये है 10^-10, तो बेटा ये तो छोटा है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर ये रखा 10^-2/2 है, ये 10^-3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो -6, -6 और -2 कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, तो ये आपका -8 आ रहा है 10^-8 आएगा, उसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस 2 का बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में फर्क नहीं आ रहा। तो यहां से अपन ने देखा इसके लिए KIP 10^-8 समथिंग आ रहा है, साथ में अपॉन में 8, उसका कोई इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और KSP अपन को दिया है 10^-10, इसका मतलब यहाँ पे KIP बड़ा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। अपन बात कर चुके हैं जहाँ KIP ग्रेटर देन KSP होगा वहीं पे प्रेसिपिटेट बनेगा, और यहाँ पे KIP आपका कितना आ रहा है 10^-2/10^-6, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो 10^-8/8, तो इस 1/8 का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये 10^-10 है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे आपका KIP बड़ा है KSP से, इसका मतलब यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेशन बनेगा, जबकि बाकी इनमें नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन ने KSP और KIP के केस की बात की। तो इसी के साथ अपने बेटा 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो अपन ने DCM 35 वाले एपिसोड में बात की। इसमें अपन ने अपने केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के मोस्ट ऑफ दी कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। बेटा कैलकुलेशंस लॉग एंटी लॉग इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ मैंने आपको यहाँ पे साथ साथ बताया भी है। बाकी आपके CLC के 6 पैक के जो आपको मिल रहा है एक ऑफर, वो आप बेटा जरूर लें, क्योंकि उससे आपकी रैंक में काफी इंप्रूवमेंट होगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर की बुक, आपको फिजिक्स सी को, आपको बायो केमिस्ट्री इनकी बुक्स भी मिल रही है, जिससे आपका रिविजन अच्छा हो। समझ में आ रही है बात? बाकी मस्त रहें, टेंशन नहीं करें, अच्छे से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें, छोटी छोटी कैलकुलेशंस को इंप्रूव करें, बाकी आराम से इजीली अपना सिलेक्शन होगा। ओके, थैंक यू, जय CLC, ऑल दी वेरी बेस्ट।